Dr. Kanza, you can start. All right, sir. So, Assalamu alaikum. I hope you're all doing well, inshallah. I, Kanza Rana Ali, welcome you all to Giving Back to Pharmacy in Pakistan's BCPS preparatory class. Today's lecture is about infectious disease, part one, which will be delivered by Dr. Muhammad Rehan Khan. Dr. Rehan is currently working as the Assistant Manager of Clinical Pharmacy at Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital and Research Center. He has more than 10 years of experience, with main specialty being infectious disease. He is also the ASHP Residency Program Preceptor. So thank you so much, Dr. Rehan, for taking your time. And you may now please continue, and we'll go ahead with the questions at the end. Thank you very much for a brief and precise introduction. I think we haven't got much time, so I will try to hit the topic right away. Mera introduction aap logon ke saath kara diya gaya hai. Main bahut zyada apne bare mein itna nahi bahar. Meri main specialty infectious diseases hai. Aur main infectious disease ko Shaukat Khana ke andar different mein practice karta hoon. BCPS ek challenging but ek rewarding aur rewarding se zyada aapka self satisfactory goal hota hai. Kisme aapko self satisfaction achieve hoti hai. तो उसी के रिलेटेड हम आप लोगों के लिए वी आर देयर टू हेल्प यू पीपल. और मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रीसाइज रहूं, क्योंकि मैं अभी एक हेक्टिक रूटीन के साथ वापस आया हूं और मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं. तो मेरी कोशिश यही होगी, विद अ कप ऑफ टी मैं चीजों को प्रीसाइजली आप लोगों तक पहुंचा दूं, सो दैट कि आपके लिए आप चीजों को एसेस करो, डिफरेंट अदर सोर्सेज से भी अपने आप को अपडेट करना, स्पेशली द अपडेटेड गाइडलाइंस, क्योंकि गाइडलाइंस चेंज हो रही है. हमेशा एक चीज याद रखें कि बुक ये चीजें आपको ओरिएंटेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिपेंड अपॉन द गाइडलाइंस. एनी अपडेट इन द प्रैक्टिस गाइडलाइंस यू हैव yourself updated. Education or मैंने कोई ऐसा शो नहीं है. का जो ऑब्जेक्टिव है, अगेन हमने पूरा चैप्टर कवर करना है. एक लेंथी चैप्टर है जिसमें काफी टॉपिक्स हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, स्किन एंड स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, डायबिटिक फुट, ऑस्टियोमाइलाइटिस, CNS इन्फेक्शंस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिटोनाइटिस एंड इंट्राबिनोमल इन्फेक्शंस, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्फेक्शंस एंड सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस. सो आई विल ट्राई टू ब्रीफली टच ऑल द टॉपिक्स. Well, the most common infection, respiratory tract infections. उसमें सबसे कॉमन क्या होता है कि जब भी पेशेंट आप जिसे निमोनिया कहते हैं, निमोनिया बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई. इसमें इन्फ्लेमेशन जब भी होती है तो उसको हम कहते हैं कि इट इज सम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को जनरली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लेरिंग्स के ऊपर बेसिकली ट्रैक किया और उसके ऊपर जो सारा कुछ है इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर ऊपर जिसमें फेरेंक्स वगैरह लेरिंग्स ये सारे आ जाते हैं, ओरल कैविटी, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है. लोअर जिसमें लंग्स और ये सारा पार्ट आ जाता है, ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं. निमोनिया इज ए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कॉमन इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. इसमें दो टाइप आपकी जनरली होती है. बहरहाल आप बेसिकली सबसे जब भी पेशेंट जब भी आता है तो उसमें जब क्या कहते हैं कि एक इन्फेक्शन का एलिमेंट जब भी आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को फीवर है या नहीं है, उसमें TLC काउंट कैसा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, प्रोकैल्साइटोनिन, ठीक देख रहे होते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमोनान जनरली हम देख रहे होते हैं किया गया स्टीरॉइड्स ने पेशेंट के इम्यून सिस्टम
Dr. Rehan will join again. There's a technical error. So just please bear some time. मेरा ड्रॉप हुआ हेलो यस सर वी कैन सी द स्क्रीन नाउ प्लीज गो अहेड चलिए मैं दोबारा से निमोनिया से शुरू करता हूं ठीक है निमोनिया जब भी होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जिसको हम निमोनिया कहते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई लंग की इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व हो जाती है उसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से उसमें कंसोलिडेशन हो जाती है पैचेस आ जाते हैं निमोनिया जब बैक्टीरियल भी हो सकता है वायरल निमोनिया भी हो सकता है ठीक है वायरल निमोनिया की एक एग्जांपल कोविड निमोनिया है इन्फ्लुएंजा H1N1 निमोनिया है बैक्टीरियल निमोनिया कॉमन हमारे उसके अंदर होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जब भी होगा उसमें वायरल का रिस्क ज्यादा होगा अलॉन्ग विद सम कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया जिसके अंदर एटिपिकल बैक्टीरियाज होते हैं how we can differentiate between community acquired pneumonia and hospital acquired pneumonia one thing is that basically hospitalization as such koi hospitalization to last 3 months mein nahi hai patient ki ya patient ne koi iv antibiotics use nahi kiya hai koi chemotherapy history to nahi hai kya koi attendance in hospital to nahi hai kya koi hemodialysis clinic jaisi koi cheez to nahi hai patient hemodialysis pe to nahi hai ya koi aisi cheez to nahi ho rahi hai या फिर क्वेश्चन पेशेंट का कोई वूंड केयर लास्ट 30 डेज में तो नहीं है इसमें कोई ऐसा हॉस्पिटल बग्स तो नहीं है जब भी हॉस्पिटल बग्स का जिक्र आता है तो हॉस्पिटल बग्स के अंदर हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि सुडोमोनास एरिजिनोसा इसमें स्टेनोट्रोफोमोनास हो गया बर्होल्डरिया हो गया MRSA हो गया ये सारे हॉस्पिटल रिक्वायर्ड बग्स हैं तो जब भी जहां पे भी इन बग्स का एक्सपोजर का रिस्क होगा उसमें हम कहते हैं कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन का रिस्क है इसमें फिर कम्युनिटी रिक्वायर्ड सारी इन्फेक्शन होती है बेसिकली टिपिकल निमोनिया जब भी होता है उसमें क्या होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा होती है बेसिकली क्वाड आउटसाइड हॉस्पिटल एंड लेस देन बेसिकली वही बात आ जाती है कि अगर तो हॉस्पिटल का कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है हॉस्पिटल के बाहर ऐसा हुआ तो उसको जनरली हम कम्युनिटी क्वाड निमोनिया कहते हैं उसमें जनरल डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं पेशेंट को बेसिकली रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं सैचुरेशन ड्रॉप हो सकती है पेशेंट को फीवर होगा TLC काउंट रेज हो रहा होगा इसके अलावा बाकी अदर सिम्टम्स उसको अगर सीवियर सेप्सिस के अंदर पेशेंट जाता है तो सेप्सिस के सिम्टम्स भी आ रहे होंगे जनरली कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जब भी होता है उसमें हम CURB 65 यूज कर रहे हैं CURB 65 C से मुराद होता है कंफ्यूजन क्या पेशेंट मेंटल स्टेट ठीक है क्योंकि जब सीवियर डिजीज होगी तो फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट सैचुरेशन प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या होगा कि हाइपोक्सिया उसकी वजह से पेशेंट मेंटल स्टेट चेंज होगा पेशेंट ड्राउजी होगा या पेशेंट आपको स्टेटस में मिलेगा दूसरा यूरिमिया बेसिकली जब भी हाइपोक्सिक पेशेंट होगा स्वीयर उसके अंदर जाएगा तो पेशेंट का यूरिया लेवल इंक्रीज करेगा बर्न इंक्रीज करेगा पेशेंट क्योंकि उसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन जब भी सेप्टिसीमिया और ये सारी चीजें होंगी हाइपोपरफ्यूजन ये सारी चीजें होंगी और रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से ज्यादा होगा पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट जो होगा अराउंड 25 उसके अराउंड अबाउट होगा जैसे 30 को क्रॉस कर रहा होगा जितना सीवियर निमोनिया होगा उतना रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा हमेशा याद रखें क्योंकि बेसिकली लंग्स में क्या होता है ऑक्सीजन पूरी करनी होती है मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हम जो एयर ब्रीद कर रहे हैं इसमें 20% ऑक्सीजन होती है अराउंड 79% नाइट्रोजन होती है बाकी गैसेज होती हैं फॉर एग्जांपल हम 500 ml एक गो के अंदर ब्रीद करते हैं तो 100 ml उसमें ऑक्सीजन होती है जो कि हमारी बॉडी के उस वक्त रिक्वायरमेंट्स को उसमें कर रही होती है वहीं पे अगर तो हमारे लंग्स डैमेज्ड हैं हमारी जो कैपेसिटी है वो 500 से कम होके फॉर एग्जाम्पल 300 पे चली गई है तो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट भी वो रह जाएगा 60 ml तक रह जाएगा जो कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी ये चीजें ड्रॉप होती हैं तो लंग्स अपना रेट इंक्रीज करते हैं सो दैट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी तो उसमें जनरली ये होता है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है बी ब्लड प्रेशर जब भी सेप्टिसीमिया होता है पेशेंट हाइपोटेंशन के अंदर जाता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होगा बेसलाइन से 30 ड्रॉप कर जाएगा सिस्टोलिक या डायस्टोलिक सिस्टोलिक जनरली जब
90 से ड्रॉप करेगा, जो डायस्टोल है 60 से ड्रॉप करेगा, या दोनों बेसलाइन, बेसलाइन हमेशा कुछ पेशेंट्स में बेसलाइन ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बेसलाइन से एटलीस्ट 30 ड्रॉप कर रहे हैं, दैट्स मीन हम इसलिए कहते हैं कि पेशेंट इज हैविंग दिस, और एज अगर 65 से ज्यादा हो। अब कर्व के ये 5 स्कोर्स हैं, ये स्कोर्स जितने बढ़ते जाएंगे हम उतना कहेंगे निमोनिया उतना सीवियर है, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को बेसिकली ओपीडी में ट्रीट करना है, या पेशेंट को एडमिट करना है, या पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करना है, या ये सारा वही बेसिकली कब आपके सामने आ गया, कंफ्यूजन, बर्न, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर, एज, तो ये सारी चीज अगेन वही उस पे, उसकी बेसिस पे हमने आउट पेशेंट, अगर स्कोर 0 to 1 है तो आउट पेशेंट ट्रीट करेंगे, 2 या से जितना ज्यादा होता जाएगा उतना पेशेंट का उसका जो होगा रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, स्पेशली 4 and 5 पे पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स का जनरली हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, काइंडली अपने म्यूट कर दें, अपने आप को माइक्स म्यूट कर दें, एक्सक्यूज मी, म्यूट कर दें जरा, मिस्टर अमार खान जरा म्यूट कर दें। अच्छा, जब भी हमेशा कम्युनिटी क्वायर्ड नमूनिया होता है, कम्युनिटी क्वायर्ड नमूनिया के अंदर जनरली होता है कि अगर तो कोई पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर अगर आप आईडिया से गाइडलाइंस पे चले जाएंगे तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होती है, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर मैक्रोलाइड जिसमें एजिथ्रोमाइसिन की ऑप्शन आती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान के, मैं इसलिए वो आपका कोर्स लाइन का है, अगर पाकिस्तान का डाटा देखें तो पाकिस्तान में मैक्रोलाइड्स के मिसयूज की वजह से हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसकी काफी हाई रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एजिथ्रोमाइसिन, मेरे ख्याल में हमारी जो सेंसिटिविटी है वो 33% है, दैट्स व्हाई एजिथ्रोमाइसिन अलोन इज नॉट अ गुड चॉइस इफ 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 इट इफ इट्स फ्रॉम पाकिस्तान और अदर एशियन पॉपुलेशन जहां पे एजिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है। बट जो गाइडलाइंस उसके अंदर ये है कि फर्स्ट लाइन पे आपकी डॉक्सीसाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड्स हैं जो कि उसमें बेसिकली उसमें उसमें होते हैं। ठीक है, अगर तो पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज में क्या आ गया, पेशेंट को कोई जो कार्डिक इशू है, पेशेंट सीओपीडी का है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का है, या ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में फिर हम पेशेंट को स्विच कर देंगे क्विनोलोन्स पे। क्विनोलोन्स के अंदर भी रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स, बाज़ोकात हम पेशेंट अपने स्टूडेंट्स आते हैं फार्मेसी उनसे पूछते हैं कि रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स कौन से होते हैं, दे आर डंप, वो ऐसे कोई आंसर नहीं कर सकते, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए लोन्स होते हैं जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, कैमीफ्लॉक्सासिन, ये सारे थर्ड जनरेशन जिनको रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स कहते हैं, दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग निमोनिया, स्पेशली दोस पेशेंट्स हु आर हैविंग सम कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, वहीं पे अगर तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, क्रिटिकली इल है, तो उस केस में फिर आप आईवी एंटीबायोटिक्स की तरफ जा सकते हैं। आईवी एंटीबायोटिक्स के अंदर आप सेफ्ट्राक्सोन को चूज कर सकते हैं, एम्पिसिलिन सल्बेक्टम को चूज कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आपने एटिपिकल कवर लाजमी ऐड करना होगा, एटिपिकल कवर या तो एजिथ्रोमाइसिन के थ्रू या फिर डॉक्सीसाइक्लिन के थ्रू या फिर किसी रेस्पिरेटरी क्विनोलोन के साथ एटिपिकल कवर आपको लाजमी ऐड करना होगा। एटिपिकल बैक्टीरिया के अंदर आपके क्या माइकोप्लाज्मा, लीजियोनेला, ये सारे एटिपिकल बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं, तो उनको आपने जब भी कम्युनिटी क्वायर्ड निमोनिया होता है उसमें हम कवर करते हैं। इसी वजह से जब कोविड के साथ पेशेंट आते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन क्योंकि सुपर एडेड उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क होता था, तो इस वजह से बाद का ज्यादातर प्रैक्टिस के अंदर हमने देखा कि उनको एजिथ्रोमाइसिन और एक ऐसी हम चैलेंज भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बाद का लंग होता बेसिकली जो जितने भी एटिपिकल होते हैं वायरल हो गया या लीजियोनेला हो गया, इनकी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन जो दूसरा होता है उसमें जनरली जो बैक्टीरियल जिसमें स्ट्रेप निमोनिया हो गया या ये हो गया, ये बेसिकली जनरली आ रही है आप लोगों को सर, लैगिंग है थोड़ी सी, बट इट्स फाइन नाउ, ओके थैंक यू। अच्छा, उसमें बहरहाल यह है कि जब भी इस पे होगा तो आप लोगों को इस चीज माइंड में रखना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरली, अगेन मैं बोल रहा हूँ जनरली, इट इज नॉट अप्लाइड ऑल पेशेंट्स, डिफरेंट पेशेंट्स हैव डिफरेंट प्रेजेंटेशन, बट जनरली जो बैक्टीरियल स्ट्रेप निमोनिया इन्फेक्शन होती है ये यूनिलेटरल होती है, बायलेटरल नहीं होती है, और हाई कंसोलिडेशन बेसिकली एक पैच होता है, हाई कंसोलिडेशन आपको एक तरफ वाइट पैच बिल्कुल नजर आ रहा होगा जो काफी उसके पूरे उस एरिया को कंफाउंड किया होगा,
थाई कंसोलिडेशन होती हैं, तो उसमें जनरली बैक्टीरियल में हम उसमें जाते हैं कि ये टिपिकल बैक्टीरिया, इसमें स्ट्रेप नमूनिया ये सारे हो सकते हैं। इवन हॉस्पिटल रिक्वायर्ड नमूनिया में बड़े इस तरह पैच नजर आएगा, फुल एक तरफ आपको बेसिकली क्लैप्स किस्म का लंग्स नजर आएगा, एक साइड पे बिल्कुल व्हाइट सा पैच होगा, जबकि एटिपिकल के अंदर पैच ही डिफरेंट और स्कैटर्ड बायलेटरल होगा। उसमें अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आपने जज कर लिया कि मॉडरेट है या किस तरह है, उसकी बेसिस पे आपने ट्रीटमेंट करनी होती है। अगर तो आउट पेशेंट है, थोड़ा सा पेशेंट को कोई साथ में कोमोबिलिटीज हैं, तो आउट पेशेंट में रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स आर बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर पेशेंट को आपने एडमिट करना है, एडमिट करने में उसमें ये होता है कि आपको फिर आईवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें मैंने आपको ही बताया कि सेफ्ट्राक्सोन, सेफ्टारलीन या फिर सल्बेक्टम एम्पिसिलिन प्लस मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड इसलिए क्योंकि जो आपके बीटा लैक्टम्स हैं ये एटिपिकल्स को कवर नहीं करते हैं। आपकी टेट्रासाइक्लिन्स, आपके मैक्रोलाइड्स और जो रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये एटिपिकल बैक्टीरिया को कवर करते हैं, ठीक है। अगेन अगर तो पेशेंट को आपको कोई रिस्क लग रहा है कि मरसा या स्टेफोरियस है, तो फिर स्टेफोरियस का भी आपको जनरली जो स्टेफोरियस अगर एमएसएस से है वो तो एम्पिसिलिन सल्बेक्टम या इसे कवर कर लेते हैं, बट अगर एमआरएस है तो उसका कवर आपको ऐड करना पड़ेगा इन केस। उसमें जनरली कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि जब पेशेंट इस किस्म का हो तो पेशेंट का अपना नेजल स्वैब ले लें या इस किस्म का बेसिकली कल्चर कर लें, उसमें मरसा पॉजिटिव अगर आ रहा है, क्विक पीसीआर होते हैं, अगर तो उसमें मरसा पॉजिटिव आ रहा है तो पेशेंट को फिर आप एडिटिव वैंकोमाइसिन ऐड कर सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर कंसोलिडेशन या पेशेंट थोड़ा सिक ज्यादा है, आईसीयू सेटिंग में उसका रिस्क है, तो उस केस में फिर आप वैंको ऐड कर सकते हैं, या अगर सुडोमोनास का रिस्क फैक्टर है तो सुडोमोनास का कवर भी ऐड कर सकते हैं। उसमें अगेन वही बात आ जाती है कि अगर तो रिस्क है, रिस्क में वही क्या क्या चीजें हैं, जो पहली चीज के वो पहले जो हमने कहा था कि रूल आउट करनी है, अगर तो उसका कोई एक्सपोजर हुआ है, कोई आईवी ड्रग यूजर है, कोई उसका एक्टिव वूंड है या कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट है, तो उस केस में तो फिर आप मरसा का कवर ऐड करते हैं, बट अगर एज सच कोई चीज नहीं है तो उस केस में जरूरत नहीं होती। अब वहीं पे एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जो कि बिल्कुल किसी और डिजीज के साथ आया था, किसी और को मोबिलिटी के साथ आया था, एडमिशन उसका जो एक्सरे हुआ था वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई ऐसा चीजें नहीं थी, बट 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप हुए, पेशेंट जो है वो उसने नमूनिया डेवलप कर लिया, तो उसको हम कहेंगे कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड नमूनिया। उसमें भी फिर अब दूसरी है, कुछ गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उसमें भी अगर वो 5 डेज बाद हुए तो उसमें फिर हाई रिस्क हम ऐड कर देंगे, उसमें एमडीआर का रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह वेंटिलेटर में यह है कि पेशेंट किसी कंडीशन की वजह से उसको वेंटिलेटर पे स्विच करना पड़ा, पेशेंट फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस हो गया था, व्हाटएवर सिनेरियो, उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया, और एट द टाइम ऑफ बेसिकली स्विच इंट्यूबेशन पेशेंट के लंग्स क्लियर थे, कोई ऐसा निमोनिया नहीं था, बट 48 आवर्स आफ्टर इंट्यूबेशन पेशेंट जो है अगर उसने निमोनिया डेवलप किया तो उसको हम कहेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसी तरह वेब बंडल होते हैं, जब भी आईसीयू के अंदर पेशेंट होता है आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि वेब बंडल्स होते हैं, वेब आपका गोल होता है कि पेशेंट को हमने वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया नहीं होने दिया। उस बंडल्स के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की ओरल हाइजीन मेंटेन की जाती है, बाकी सारे जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस ये सारी चीजें, ओरल हाइजीन के लिए जनरली क्लोरहेक्सिडीन या डिफरेंट किस्म की चीजें, मेनली आजकल रिकमेंडेशन के अंदर जो रिसेंट रिकमेंडेशन क्लोरहेक्सिडीन है, उससे ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं ताकि इस किस्म के कोई एमडीआर जो है या हॉस्पिटल रिक्वायर्ड बग्स जो है पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोलोनाइज ना हो, क्योंकि जब ये कोलोनाइज होंगे तो हाई रिस्क होगा कि वो जाके आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उसके अंदर पहुंच के। तो जब भी आप हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को आप ट्रीट करने लगेंगे तो उसके अंदर आपने हमेशा सुडोमोनास और मीथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस ओरियस का कवर लाजमी ऐड करना है। सुडोमोनास के लिए जनरली आपके पास क्या ऑप्शन होती हैं, बीटा लैक्टम्स जिसमें थर्ड जनरेशन सेफ्लोक्सपोरिन के अंदर सेफ्टाजिडीम आ जाती है, इवन दो के बहुत ज्यादा अच्छे आजकल पाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ इतनी अच्छी कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो नॉट अ फर्स्ट लाइन, बट अगेन पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम, सेफिपाइम एंड कार्बापेनम जिसमें मेरोपनम हो जाता है, एमीपेनम हो गया और डोरीपेनम। डोरीपेनम का रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा इतनी इंडिकेशन नहीं है, मेरोपनम और एमीपेनम की है, अल्टापेनम सुडोमोनास को कवर नहीं करती है, दैट वुड बी द चॉइस। अगेन साथ में आपको डुअल उसमें स्पेशली अगर तो आपके पास जो सुडोमोनास है उसकी जो रेजिस्टेंस है 10% से ज्यादा है तो डुअल आपको ऐड करना चाहिए, मतलब हमारे एंटीबायोग्राम के अंदर जो सुडोमोनास है उसकी कार्बापेनम के लिए सेंसिटिविटी जो है अराउंड 84%, दैट मींस 10% से ज्यादा रेजिस्टेंस है, सो वी हैव टू गो फॉर डुअल एंटी सुडोमोनल कवर एम्पिरिकली। व्हेनेवर वी आर गोइंग एम्पिरिक कवर, मैं डेफिनेट की बात नहीं कर रहा, मैं एम्पिरिक कवर की हमेशा जब भी करते हैं उससे पहले उसके जो स्पूटम कल्चर या अगर कोई ब्रोंक वगैरह है या इस किस्म का जो भी
bilateral भी और लिवाज है जो भी है उसका, वो सैंपल लाजमी भेजेंगे, उसके बाद फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे. सो दे विल हैव द कल्चर रिजल्ट्स इन हैंड नेक्स्ट 3 to 4 days या 3 to 4 days मैक्सिमम 5 days के अंदर जो कल्चर रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसकी बेसिस पे फिर आप एंटीबायोटिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो उसमें बात होता है वैंकोमाइसिन या लाइन एजोलेट. अब कुछ स्टडीज हैं, वैसे तो अभी जो आइडियाज है कि गाइडलाइंस हैं वो वैंकोमाइसिन को प्रेफर करती हैं, बट कुछ स्टडीज हैं स्पेशली जो यूरोपियन स्टडीज हैं दे प्रेफर लाइन एजोलेट ओवर ग्लाइकोपेप्टाइड दैट इंक्लूड वैंकोमाइसिन एंड टाइकोप्लानिन. दे कंसिडर दीज ग्लाइकोपेप्टाइड्स आर जस्ट लाइक, जिस तरह डेप्टोमाइसिन होती है ये निमोनिया में यूजलेस होती है क्योंकि जो सर्फेक्टेंट इफेक्ट होता है उसकी वजह से इनकी इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं होती है. सेम इज देयर स्टडी बेसिकली, उसमें जो उन्होंने स्टडीज किया यूरोपियन स्टडीज हैं जिसमें यह कि वैंकोमाइसिन जितने भी ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं इनकी इतनी अच्छी जो अवेलेबिलिटी है लंग्स में नहीं होती, इसलिए दे आर नॉट एन आइडियल चॉइस फॉर ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. मैं यूरोपियन की बात, दे प्रेफर लाइन एजोलेट, उनकी अगर आईसीयू की गाइडलाइंस देखें तो उसमें लाइन एजोलेट को प्रेफर करते हैं. वहीं पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के अंदर भी यही सारी गाइडलाइंस हैं. बहरहाल इसमें से प्रेडनिसोलोन हमारी बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन रीसेंट प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अंदर प्रेडनिसोलोन को हटा दिया गया. प्रेडनिसोलोन इज नो मोर पार्ट ऑफ बेसिकली दिस हॉस्पिटल जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, अब उनको स्टीरॉइड्स का सच रिकमेंडेड नहीं है. ओल्ड अब हमारी बुक के अंदर मैं देख रहा था मौजूद था, बट न्यू रिकमेंडेशंस के अंदर कोई ऐसा स्टीरॉइड्स का रोल नहीं है. ठीक है, बाकी होता है कि जब भी आप एम्पिरिक एंटीबायोटिक ऐड करते हैं उसको एस्केलेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिस्पांस. अगर रिस्पांस नहीं आ रहा, पेशेंट वर्स हो रहा है, तो फिर आप एस्केलेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास एमडीआर का रिस्क है तो आप फर्दर उसमें कोई एस्केलेशन या चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने रोपनम ऐड किया साथ में लीवोफ्लॉक्सासिन थी, लीवो को आप स्विच कर देंगे कोलिस्टिन पे या स्पिरे जाएंगे सो दैट टू कवर एनी रिस्क ऑफ एमडीआर. वही चीज मैंने बता दी कि जो जितना पुराना आगे जाके होगा, और जितना इसलिए कहते हैं कि हमने हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट के हॉस्पिटल स्टे को मिनिमाइज किया जाए, पेशेंट के वेंट को मिनिमाइज, जितना भी उसका वेंट का टाइम है उसको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि जब जितना ये टाइम इंक्रीज होगा उतना एमडीआर बग्स का रिस्क इंक्रीज होगा. जब एमडीआर बग्स होंगे तो उसमें वही जितना 5 days उससे ज्यादा होगा तो एमडीआर का रिस्क ज्यादा होगा. उसमें ड्यूअल और सारा अपने अपने उसके एंटीबायोग्राम की बेसिस पे कॉशियसली चीजों को लेके चलना होगा. अगेन रिस्क फैक्टर्स फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है कि पेशेंट की कोई पास्ट एंटीबायोटिक की हिस्ट्री है, स्पेशली अगर पास्ट 3 months के अंदर या हॉस्पिटलाइजेशन को 5 या ज्यादा हो गए हैं. हाई रेजिस्टेंस इन कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर वैसे तो ये कम्युनिटी को उसमें आ जाते हैं. क्लैप्सेला बाजुकात करता है नमोनिया, और क्लैप्सेला हमारी कम्युनिटी जो एंटीरोबैक्टेरिसी से जो बेसिकली जितने भी हैं तो इनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, स्पेशली इकोलाई. अगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हम उनसे इन्फेक्शियस डिजीज के पर्सन से या जितने भी इसको इंटेंसिविस्टम से जब बात करते हैं तो इकोलाई को लेकर काफी परेशान है. इकोलाई में हाई रेजिस्टेंस है. हमारे पास भी इकोलाई लास्ट मेरे पास जो डाटा है उसमें कोई 96% से इसकी थी 2015 में कार्बापेनोसिस सेंसिटिविटी, और अब ड्रॉप होके ये आ गई है तकरीबन कोई में 76% पे आएगी. ये नहीं कि 20% ड्रॉप हुई है इसकी सेंसिटिविटी और स्पैन ऑफ अराउंड 5 to 7 years, दैट क्वाइट वरीसम. बट अगेन वही सारी चीजें आ जाती हैं कि आपको इन चीजों को लेके पढ़ना पड़ता है, लेकिन चीजों को उस तरह मैनेज करना पड़ता है. आप अपने हॉस्पिटल एंटीबायोग्राम, अगेन ये सारी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है इसके अंदर आपकी हॉस्पिटल एंटीबायोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर सेप्टिक शॉक एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें भी एमडीआर का रिस्क ज्यादा होगा. कुछ बग्स हैं जिस तरह सुडोमोनास हो गया, इवन क्लैप्सेला, इवन इकोलाई जब ब्लड के अंदर आते हैं तो ये सेप्टिक शॉक पेशेंट हमारा अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट, हम इतने इसी तरह देखते हैं कि जब भी सेप्टिसीमिया होता है तो वी आर एट अवर टोस, क्योंकि पेशेंट का बड़ा हाई रिस्क होता है पेशेंट सेप्टिक शॉक के अंदर चला जाता है और उससे फिर उसको वापस आना काफी डिफिकल्ट होता है. इसी तरह बेसिकली अगर पेशेंट एक्यूट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है तो उसमें भी होता है कि बेसिकली एक्सपोजर का रिस्क बढ़ जाता है, कि जितना एक्सपोजर का रिस्क ज्यादा होगा उतना फिर उसमें ये चीजें सारी ज्यादा. My question है basically 56-year-old man who came to clinic with 3-day history of fever, chills, pleuritic cyst, chest pain, hemorrhage, reproductive cough in the clinic. His temperature is 102.1 degrees centigrade. All other vitals are normal. His chest radiograph reveals consolidation in the right lower lobe. Consolidation in the right lower lobe. His white blood cells are 14,000 around, but overall body values are normal. He is giving diagnosis of community acquired pneumonia. He has not received antibiotics for in 5 years and has no chronic
डिजीज विच इज द बेस्ट. आप इसमें यही देख लें कि उसकी कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है, ओवरऑल हेल्दी है, कोई इतना एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, 65 से कम है, कोई कोमॉर्ब की हिस्ट्री नहीं दी गई है, तो उसमें होता है कि डॉक्सीसाइक्लिन या सल्फ्यूरोक्साइम या लिवोफ्लॉक्सासिन या कोट्रिमोक्सासोल. तो चॉइस हमेशा मैंने आपको बताया था डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, या फिर इसमें से आप चूज कर लेंगे. क्विनोलोन्स को ऐसा कोमॉर्ब नहीं है, तो क्विनोलोन्स भी ऐसा नहीं है, तो इसमें आपकी जो चॉइस होगी वो टाइप जो ए होगी डॉक्सीसाइक्लिन. अच्छा अगेन फिर वही बात आ जाती है जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी मिस यूज होगा ज्यादा होगा, तो उसमें फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि काफी एएमआर, हम काफी ज्यादा आप चीजों पे एएमआर एएमआर को डिस्कस कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली इसमें वही है कि इरेशनल नॉट ओनली इन द ह्यूमन साइड बट एनिमल साइड, बल्कि मैं उसमें कुछ पढ़ा था तो उसमें यह था कि इट्स नॉट समथिंग न्यू फिनोमिना, इट्स ओल्ड फिनोमिना. एंटार्क्टिका में बेसिकली परमाफ्रॉस्ट थी, उसमें कुछ सैंपल लिया गया, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे दे वर हैविंग सीआरई जीन्स. तो एक्चुअली बेसिकली क्यों ये रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हमने तो डिस्कवर की थी पेंसिलिन, पेंसिलिन हमने थोड़ी बनाई थी, पेंसिलिन तो फंगस बना रही थी. फंगस क्यों बना रही थी, कि जिस फूड पे वो मौजूद है उस फूड पे कोई और उसका कंपिटिटर ना आए, उसने उस कंपिटिटर के अगेंस्ट पेंसिलिन बनाई थी बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ताकि बैक्टीरिया जिस एरिया में वो फूड यूज कर रही है उसमें फूड का कंपिटिटर उसका कोई ना आए. वहीं पे बैक्टीरिया ने कम्पीट करना था अपने सर्वाइवल के लिए, क्या किया कि उसने पेंसिलिन के अगेंस्ट पेंसिलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए पेंसिलिनेज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिजम्स अपने उसके अंदर ऐड कर लिए, सो दैट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पेंसिलिन या इस किस्म के डिफरेंट अदर जो प्रोड्यूस हो रही होती है. तो इट्स नॉट न्यू फिनोमिना, लेकिन हम इसको स्पीड अप कर देते हैं. कब स्पीड अप कर देते हैं, जब पेंसिलिन अपने जो पेंसिलिन है उसको गलत यूज करेगी, इरेशनल यूज करेगी, तो उस पर रेजिस्टेंस आती है. इसी तरह ह्यूमंस ने डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को इरेशनली यूज किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास रेजिस्टेंस. इसकी एग्जांपल क्विनोलोन्स है कि हमने एनिमल में पोल्ट्री में बहुत ज्यादा इसको यूज किया. अब इसकी जो कंजम जो बेसिकली होती है, इनकी जो हाई कंसंट्रेशन होती है मसल्स में होती है स्पेशली, इस तरह पोल्ट्री के टेंडेंस वगैरह, तो हम मसल्स ही एक्चुअली प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए मसल्स कंज्यूम करते हैं, तो हम क्विनोलोन्स कंज्यूम कर रहे थे. उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा टाइफाइड इज हाईली रेजिस्टेंट टू क्विनोलोन्स, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चेक नहीं है. वहीं पे इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग हो गई, अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन रह गई है टाइफाइड के लिए एजिथ्रोमाइसिन और कार्बापेनम्स. एजिथ्रोमाइसिन भी हमने बहुत ज्यादा इरेशनल यूज किया, तो देयर हाई रिस्क, गॉड फॉरबिडन अगर उससे रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो वी डोंट हैव मच ऑप्शंस. ठीक है, तो उसमें बहरहाल यही है कि उसमें डिफरेंट उसमें होता है कि रेजिस्टेंस या तो इननेट होती है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें बेसिकली वो रेजिस्टेंट ही होते हैं. फॉर एग्जांपल सुडोमोनास ओरिजिनोसा हैज इननेट रेजिस्टेंस टू वैनकोमाइसिन, क्योंकि ग्लाइकोपेप्टाइड का स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है और ये ग्राम नेगेटिव होती है, इसमें पोरिन से वो जो होते हैं जो बैक्टीरिया के उसमें से वैनकोमाइसिन गुजर ही नहीं सकती है, इवन कांट विल पास थ्रू दैट पोर्स, सो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होता है. इसी तरह प्रोटियस मिराबिलिस जो होता है वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होती है कोलिस्टिन से, इसी तरह स्टेनोट्रोफोमोनास जो होता है वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होता है बीटा लैक्टम से, तो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस कुछ उस सिनेरियो में पाई जाती है. मतलब बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर रहा होता है, मेटालो बीटा लैक्टमेज इंट्रिंसिकली प्रोड्यूस करते हैं. एक्वायर्ड रेजिस्टेंस वही था, म्यूटेशन क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस पास थ्रू डॉटर सेल्स ओनली, बेसिकली वो एक रेजिस्टेंस करते हैं फिर अपने डॉटर सेल्स को वो सारा पास कर देते हैं. हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है कि उसमें दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये सारी में प्लाज्मेट हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट कोज रेजिस्टेंस. मोबाइल कोड कैन डू फ्रॉम one bacteria to other bacteria, they carry codes for multiple antibiotic resistance. This is actually basically you know, jo transposons hote hain ya plasmids hote hain, they are major basically conjugation ya transduction ya transformation ke through ye transfer hote hain. Usme basically you know, different kism ke resistance gene ek bacteria jo ki resistance carry karte hain, dusre bacteria jo ki resistance carry kar नहीं होते उनकी तरफ ये ट्रांसफर करते हैं. एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अंदर बर्खॉल्डरी हो गया या ये सिट्रो हो गया, इनके अंदर ये हाई रिस्क होता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का. और बेसिकली सारी चीजें रेजिस्टेंस में हुई होता है कि डिफरेंट मैकेनिज्म हैं, डिक्रीज अपटेक है बीटा लैक्टम्स फ्लोरोक्विनोलोन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैंने जिस तरह बताया ग्राम नेगेटिव स्पेशली सुडोमोनास या इकोलाई, इस किस्म की कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि वो क्या कहते हैं कि उनकी पेनिट्रेशन को ही कम कर देती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेट नहीं कर पाते. एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन, मसलन बीटा लैक्टमेज अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, इसलिए आपके बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर उसको काउंटर नहीं कर सकते. अमाइनोग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो अपने आप को उसमें जिसमें एसिटाइल ट्रांसफरेज या फास्फोट्रांसफरेज अपने आप को बेसिकली चेंज करते रहते हैं. इसी तरह
डिफरेंट अदर उसमें साइट ऑल्टर्ड साइट ऑल्टर्ड साइट की एग्जांपल जो स्टेफ ओरियस है बेसिकली मीथिसिन रेजिस्टेंस किस तरह डेवलप करते हैं, वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को चेंज कर देता है जहाँ पे पेंसिलिन ने जाके बाइंड करना होता है। इसी तरह एंटीरोकोकस जो होता है वो क्या करता है, वैंकोमाइसिन के रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज कर देता है कि वो लैक्टेट को बेसिकली जो डी एलानिन होता है उसको चेंज कर देता है सीरीन से या लैक्टेट से। जब लैक्टेट होता है उससे उसके लिए बाइंडिंग एफिनिटी वैंकोमाइसिन की मतलब थाउजेंड्स टाइम कम होती है, सीरीन के लिए तो फिर भी कोई 60 टाइम या 16 टाइम इतना वो कम होती है। बट अगेन लेकिन वो जब वो बाइंडिंग साइट्स को चेंज करता है तो उसकी वजह से एफिनिटी होती है एंटीबायोटिक फॉर दैट साइट चेंज हो जिसको बाइंड नहीं कर पाते, जिसमें एंटीरोकोकस में वैन ए वैन बी रेजिस्टेंस होती है। क्लोरोक्विनोलोन वही डीएनए गायरेज में बाइंडिंग साइट चेंज हो जाती है। इसी तरह डिफरेंट राइबोसोमल म्यूटेशंस सल्फोनामाइड बेसिकली डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है। इफ्लक्स पंप मैक्रोलाइड्स क्लोरोक्विनोलोन टेट्रासाइक्लिन में क्या होता है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि जो भी एंटीबायोटिक इंटर होती है उसको इफ्लक्स आउट कर देती है। उसके बाद मेन है बीटा लैक्टमेसिस। बीटा लैक्टमेसिस में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, चार मेन क्लासेस हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए जो जनरली ए सी डी सीरीन टाइप होते हैं, बी मेटालो बीटा लैक्टमेस होते हैं। ठीक है, सबसे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इकोलाई में ज्यादा है मेटालो बीटा लैक्टमेस, स्पेशली एनडीएम स्पीशीज होती है जिसके अगेंस्ट आपके ये जो जितने भी बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, जो टाइप ए है इसके अंदर जनरली सी टी एक्स आ जाता है या ई एस बी एल्स आ जाते हैं, टाइप सी के अंदर एम सी हो जाता है और टाइप डी के अंदर ऑक्सा फैमिली सी आर ई आ जाते हैं। टाइप ए में केपीसी की फैमिली सी आर ई होते हैं। ठीक है, और टाइप डी में ऑक्सा फैमिली जनरली इन्वॉल्व होती है। तो ये डिफरेंट बेसिक इसको होता है कि डिफरेंट उसमें आप जनरली होता है कि जो ए होता है ओल्ड जनरेशन जिसमें टेजोबैक्टम हो गया सलबैक्टम हो गया या क्लेवलोनिक एसिड्स इनहिबिट हो जाते हैं। सी और डी के लिए आपको न्यू जनरेशन जो आपके हैं बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर स्पेशली एवीबैक्टम सेफ्ट्राजिडीन के साथ है या वेबोरबैक्टम या रैलीबैक्टम की आपको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अपर की जब बात आती है तो उसमें इन्फ्लुएंजा आ जाता है। इन्फ्लुएंजा में बस आपको थोड़ा सा बस एक कोई ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं, कोई इतना तो टॉपिक नहीं है, लेकिन जनरली आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। इन्फ्लुएंजा थोड़ा सा सीवियर होता है, कोल्ड जो कॉमन कोल्ड इतना सीवियर नहीं होता। ऑनसेट उसका कॉमन कोल्ड का ग्रेजुअल होता है, जो इन्फ्लुएंजा होता है उसका सडन होता है। इन्फ्लुएंजा के अंदर फीवर ये चीजें ज्यादा होती हैं, कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होती है। कफ भी इसमें ज्यादा होती है, हेडेक काफी होती है क्योंकि साइनोसाइटिस इसमें थोड़ा होता है, काफी प्रॉब्लम्स में होता है। साइनसिस के अंदर भी बेसिकली एथमॉइड साइनस के अंदर आपकी कंजेशन होती है जिसकी वजह से आपको काफी माइग्रेन टाइप हेडेक होता है। कॉमन कोल्ड में ऐसी चीजें नहीं होती है, मायल्जियाज भी इसमें ज्यादा होते हैं जब भी आपको होता है। कोविड भी एक लिहाज से इन्फ्लुएंजा एक डिफरेंट वायरस है, लेकिन कोविड भी इसी किस्म की इन्फेक्शन करता है और इनका ज्यादा हाई रिस्क कब होता है कि जब अपर से ये लोअर आपके उसको इन्वॉल्व करते हैं तब ये हाई रिस्क होता है। स्पेशली इन्फ्लुएंजा के अंदर भी H1N1 जब लोअर लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी वजह से ज्यादा होता है। और ट्रीटमेंट बेसिकली कंफर्म सस्पेक्टेड इन्फ्लुएंजा इन द फॉलोइंग कंडीशंस, जनरली न्यूरोमाइडेज इनहिबिटर्स ही हम इसमें यूज उसमें ऐसा होता है, लेकिन जनरली अगर वो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यंगर देन टू या ओल्डर देन 65 या कोई कोमोबिलिटीज है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है या इस किस्म की कोई डिफरेंट असर उसमें मौजूद है तो फिर इसको ट्रीट करते हैं, अदरवाइज एज सच उसमें नहीं होता। उसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि अगर तो उसके जो एक्सपोजर उसको 48 आवर जैसे ज्यादा हो गए तो जनरली हम उसको ट्रीट नहीं करते, अगर तो जरूरत नहीं है, अगर अनलेस के पेशेंट क्रिटिकल हो तो फिर ट्रीट करते हैं, अदरवाइज ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा जो था कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज वैक्सीनेशन। हेलो, अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है कि वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट सर। Should I start? Fine. अच्छा उसमें आपको हमेशा याद रखना है एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन जनरली 6 months और ओल्डर से आगे सब पॉपुलेशन के अंदर यूज होती है, अनलेस कि आप अलर्जिक हैं। अगर अनलेस यू आर अलर्जिक टू वैक्सीन और एनी पार्ट ऑफ वैक्सीन उसको सबमिट करके उसको एक्सेप्ट दैट सिनेरियो 6 months और से प्लस सब के अंदर वैक्सीनेशन मस्ट है। ठीक है, सीजनल वैक्सीनेशन होती है, जनरली फ्लू का सीजन या जिसमें कब स्टार्ट होता है जनरली सेप्टेम्बर से लेके फरवरी मार्च तक होता है। हमारे यहाँ जनरली वैक्सीनेशन जो स्केड्यूल होता है वो सेप्टेम्बर में शुरू हो जाता है, ज्यादातर एम्प्लॉयज को सेप्टेम्बर में या
अक्टूबर तक हम वैक्सीनेट कर देते हैं। बहरहाल इसमें जो कॉमन जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ट्रीटमेंट, सल्टामिविर है, ज़ानामिविर है, पेरिमाविर है, एमेंटाडीन ऐसे यूज नहीं होती, एमेंटाडीन पे उसमें नहीं है, ब्लॉक्सोविर, ब्लॉक्सोविर न्यू उसमें आई। तो बहरहाल सल्टामिविर सबसे कॉमन यूज होती है, एडवर्स इफेक्ट में जी आई होती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी करती है, एंग्जाइटी, इस किस्म मैंने तो पेशेंट में ये चीज देखी भी थी कि काफी फीमेल पेशेंट थी एंग्जाइटी और इस किस्म में चली गई थी, ट्रीट किया था। तो बाल्स की 275 mg Q12 hourly होती है और जनरली 5 to 7 days इसका ट्रीटमेंट होता है। और रीनल डोज एडजस्टमेंट होती है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर तो उसमें ड्रॉप कर गई है 60 से नीचे है तो 30 mg ट्वाइस डेली होगी, अगर 30 से भी नीचे है तो उसमें 30 mg वंस डेली तक इसकी डोज करेंगे। ज़ानामिविर की ऐसा कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट एजमा के साथ है, इस किस्म की कंडीशन है COPD, उसमें जनरली इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इस चीज़ों को वर्स कर सकते हैं। इनहेलेशन फॉर्म में होता है, 5 mg ट्वाइस डेली होता है। और पेरामिविर बेसिकली इसमें भी डायरिया और इस किस्म की चीजें होती हैं, ज्यादा उसमें नहीं होती, लेकिन अगेन इसका होता है कि इसका IV होता है, ओरल नहीं होती है, 600 mg वंस डेली इसकी डोजिंग होती है और इसकी भी रीनल डोज एडजस्टमेंट होती है। ब्लॉक्सोविर GI साइड इफेक्ट्स इस किस्म के थोड़े बहुत होते हैं जस्ट लाइक सल्टामिविर, लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छी टॉलरेंस है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वंस बस सिंगल डोज होती है, दैट्स एनफ। उसमें ये होता है कि 40 mg अगर तो पेशेंट का वेट 80 kg से कम है, 79 से कम है, 40 to 70, उसमें 40 mg डोज होती है, अगर 80 प्लस है तो 80 mg की सिंगल डोज दे देते हैं, दैट्स सफिशियंट। और दैट वाज उसके ट्रायल के अंदर ये नॉन इन्फीरियर टू सल्टामिविर, जितने भी ट्रायल्स होते हैं उसमें नॉन इन्फीरियर टू सल्टामिविर इन मैनेजिंग इन्फ्लुएंजा। कीमोप्रोफिलैक्सिस अगेन ज्यादातर रिक्वायरमेंट नहीं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि अमीनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं या कोई ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जिस किस्म की हाई रिस्क पॉपुलेशन उसके अंदर हम प्रोफिलैक्सिस दे देते हैं, अगर तो एक्सपोजर है या एक्सपोजर का रिस्क है तो उस केसेस में हम दे देते हैं, अदरवाइज ऐसा इसका रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि जनरली उसमें 7 to 14 days तक यूज करते हैं, और उसमें बेसिकली होता है कि सल्टामिविर 75 mg वंस डेली यूज करते हैं 10 to 14 days अगर तक एक्सपोजर का रिस्क है, और इसी की ज्यादातर। और अगर तो पीक इन्फ्लुएंजा सीजन है और आप वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई है तो उस केस में फिर होता है कि आप 6 week तक या जब तक एक्सपोजर का रिस्क है इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपोजर हो गया तो विद इन 2 days ऑफ एक्सपोजर होता है कॉन्टेक्ट में और Not more than 10 days. पिछले तो हमें क्यूरी आई थी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्सपोज हो गए हैं, एक पेशेंट का इस तरह था H1N1 था, तो उसमें हमने यही इनको कहा था कि अगर तो पेशेंट अम्यूनो कम्पिटेंट है तो देर इज नो सच थिंग, अगर अम्यूनो कम्प्रोमाइज हो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इस किस्म कंडीशन के साथ हो, स्टीरॉयड्स पे है या ऐसी कोई फर्दर उसमें कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में फिर हम इसको एड कर देंगे। जनरली ट्रांसप्लांट या इस किस्म के जितने पेशेंट होते हैं उसमें इंडिकेट किया जाता है। ज़ानामिविर की वो बेसिकली 5 mg BD से 10 mg per day डोजिंग की तरफ चले जाते हैं और 4 weeks और बेसिकली पीक इन्फ्लुएंजा सीजन में बेसिकली देखा गया कि 67% प्रोटेक्टिव एफिकेसी थी। सबसे ज्यादा बेसिकली सल्टामिविर ही है, बाकियों के ऐसे जितना नहीं है। साइनोसाइटिस बेसिकली साइनसिस जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसको साइनसिस की इन्फेक्शन को साइनोसाइटिस कहते हैं। आपकी नेजल कैविटी से पीछे साइनसिस होती हैं, बाकी वायरल इन्फेक्शन के अंदर जनरली साइनोसाइटिस होता है। इसी तरह मैंने इन्फ्लुएंजा जब होता है तो उसमें साइनोसाइटिस का भी रिस्क होता है, और बैक्टीरिया का कम होता है, अराउंड 10% बैक्टीरिया ज्यादातर वायरल ही होता है, ठीक है। और साइनसिस सिम्टम्स क्या होता है, प्रोलेंट नेजल डिस्चार्ज होगा, स्वियर फेशियल प्रेशर होगा, हाइपोसमिया होगा, फीवर साथ में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और पेशेंट को सबसे पहले कि स्वियर उसके साथ हेडेक, यानी काफी स्वियर हेडेक होगा। माइनर के अंदर माइल्ड हेडेक या बेसिकली हेडेक एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसके अलावा ईयर पेन हो सकता है या पेशर प्रेशर या फुलनेस इसमें होगा, डेंटल पेन, कफ, ये सारी चीजें, फीवर, फटीग उसमें होगा, लेकिन स्वियर सिम्टम्स ऐसे उतनी नहीं होगी जो कि एक्यूट उसमें होती है। बारल प्रेजेंटेशन पे एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि 2 major सिम्टम्स और 1 or 2 बेसिकली माइनर सिम्टम्स होंगी, तो उसमें हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये है। और दूसरा होता है कि बैक्टीरियल वायरल ही होता है, बैक्टीरियल की तो सीवियरिटी ज्यादा होती है वायरल से, वायरल उतना सीवियर नहीं होता जितना कि बैक्टीरियल सीवियर होता है। बैक्टीरियल का जो ड्यूरेशन है वो भी ज्यादातर प्रोलॉन्ग होता है, यानी कि वायरल 5 to 10 days होता है जबकि बैक्टीरियल 10 days जैसे ज्यादा तक हो सकता है, ठीक है। वायरल की जो पीक्स होती हैं 3 to 6 days पे, लेकिन जो बैक्टीरियल में होता है कि इसमें ज्यादा वर्स हो सकती हैं, इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। ये बस कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपने डिफरेंस याद रखना है।
वो ये था कि फर्स्ट लाइन अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस केस में फिर ऑगमेंटिन आप जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर तो हमने इन्होंने काफी हाई डोज दी हुई है, 2 ग्राम BID इस तरह करके दी हुई है। हमारी पॉपुलेशन तो इतने पे स्पीयर डायरिया करा लेती है, बट अगेन रिकमेंडेशन जो आईडीएस है उसमें ये है बच्चों के अंदर 90 mg/kg/day इन 2 डिवाइडेड डोजेस 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर हम देते हैं। बट अगेन उसमें वही उस पर है कि यही सारा कुछ है। जनरली इसमें होता है कि अगर तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क लग रहा है तो फिर इसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इम्यून सिस्टम इसको नॉर्मली कंट्रोल कर लेता है। सेकेंड लाइन थेरापी भी अंदर वही है कि अगर तो पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक है तो उसमें फिर डॉक्सीसाइक्लिन या प्रेफर कर सकते हैं। अगर तो टाइप 1 है, अगर नॉन टाइप 1 पेन टू पेनिसिलिन है तो उसमें अल्टरनेटिव स्पेसिफिक जीन जिनकी क्रॉस एलर्जी कम होती है तो उनको आप यूज कर सकते हैं। पेशेंट को भी थोड़ा सा उस पे करूंगा क्योंकि मैंने कवर करना है काफी। आगे आ जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसमें जैसे कि बेसिकली जब भी आप यूरिनरी ट्रैक पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स होगी, पेशेंट को डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन होगी, पेनफुल मिक्चुरेशन होगी, प्यूबिक पेन होगी। अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट को बेसिकली कौन सा किडनी यूरिनरी ट्रैक बेसिकली जनरली होता है कि उसमें दो आपके होते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक और लोअर यूरिनरी ट्रैक। अपर में आपके किडनीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जब भी किडनीज की इन्फेक्शन होगी अब तो उसको हम कहेंगे अपर है, इसको पायलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। लोअर जिसमें आपका ब्लेडर आ जाता है या यूरिथ्रा आ जाता है इसको हम कहते हैं लोअर यूटीआई। इसमें सुपरा प्यूबिक पेन होगी या यूरिथ्रा साइड पे यूरिनेशन साइड पे पेन ज्यादा होगी लोअर यूटीआई के अंदर, ठीक है। बहरहाल उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं और साथ में हमने देखना था, फॉर एग्जांपल फ्लैंक पेन है, लोअर बैक साइड पे पेन अगर हो रही है तो पायलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स है, सुपरा प्यूबिक पेन है तो ये लोअर यूटीआई की यानी कि सिम्टम्स है, सिस्टाइटिस या यूरिथ्राइटिस की सिम्टम्स में आ जाती है ये चीजें, ठीक है। उसमें दूसरी चीज ये होती है कि पेशेंट को साथ में फीवर हो रहा है, जब भी यूटीआई को होगा क्या पेशेंट को फीवर हो रहा है, दूसरी सिम्टम साथ में है, क्या पेशेंट को साथ में यानी कि उसमें डिफिकल्टी मिक्चुरेशन जैसी कोई यूरिनरी सिम्टम्स है, बर्निंग मिक्चुरेशन जैसी कोई चीज है, डिस्यूरिया ऐसी कोई चीज हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन एग्जाम, यूरिन आरी के अंदर क्या बैक्टीरिया है, क्या उसके नाइट्राइट्स पॉजिटिव हैं, क्या WBC पॉजिटिव हैं, क्या पस सेल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप एनालिसिस बेसिकली आपको उसमें देते हो। साथ में यूरिन कल्चर आप करा लें तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली ये है या नहीं है उसको। लेकिन साथ में आपने ये भी देखना होता है कि ये पाइलो है अपर या लोअर को लाजमी रूल आउट करना होता है। अगर तो पाइलोनेफ्राइटिस है तो उसमें ब्लड कल्चर भी लाजमी कराने पड़ेंगे, उसमें ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव होते हैं, लोअर में ब्लड कल्चर पॉजिटिव नहीं होते। फिर एक और क्वेश्चन आता है कम्प्लीकेटेड एंड अनकम्प्लीकेटेड यूटीआई। हमेशा याद रखिए अनकम्प्लीकेटेड यूटीआई कौन सा है, एक अम्यूनो कम्पिटेंट प्री मीनोपॉजल फीमेल जिसको प्रेगनेंसी नहीं है, कोई ऐसी अदर कोमोबिलिटी नहीं है, तो उसमें जब यूटीआई कोई फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई प्रोस्थीसिस या ऐसी कोई चीज नहीं है, उस फीमेल को जब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे वो भी लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर मैं इसको अपर नहीं कहूंगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, फीमेल पेशेंट है, प्री मीनोपॉजल है, कोई उसकी कोमोबिलिटी नहीं है, कोई जो फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो उसमें जो यूटीआई होगा उसको क्या कहेंगे, अनकम्प्लीकेटेड यूटीआई। अदर देन दैट जितने भी यूटीआई उनको कम्प्लीकेटेड यूटीआई कहेंगे। मेल है, मेल पेशेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल है, हॉस्पिटलाइज्ड है, कैथेटराइज्ड है, पायलोनेफ्राइटिस है, ये सारे किसमें आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में आ जाते हैं। सबसे कॉमन बग उसमें कौन सा है, इकोलाई है। इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्यों, इकोलाई एंटीरोबैक्टीरियासी है, एक्चुअली गट का बैक्टीरिया है। फीमेल के अंदर रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी और उनकी जो एनाटॉमी होती है बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक की, उसकी वजह से फीमेल्स आर एट हाई रिस्क ऑफ कैचिंग दैट इन्फेक्शन। लेस कॉमन के अंदर बेसिकली इसमें फंगस ये सारी चीजें भी हो सकते हैं, कैंडिडा वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट मोस्ट कॉमनली इसमें इकोलाई या इस किस्म के बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। कॉस्ट सिर्फ आता है पायलोनेफ्राइटिस में ज्यादातर आती है, जो लोअर उसके अंदर है सच कॉस्ट वगैरह नहीं होते। बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया यूरिया और होता है, बैक्टीरिया कल्चर आप करा लेते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया should be screened for treating pregnant female. अगर तो पेशेंट प्रेगनेंट है तो उसको तो हम ट्रीट करेंगे, अगर तो पेशेंट और कोई नॉर्मल पेशेंट है, नॉन अम्यूनो कम्पिटेंट है, तो उसको फिर हम ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे, बट अगेन प्रेगनेंट फीमेल है उसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह अगर पेशेंट फॉर एग्जाम्पल कैथेटराइज है, बाजों का ये आपके उसमें क्वेश्चन भी आता है, ये चीज ध्यान में रखें, क्वेश्चन आता है कि पेशेंट कैथेटराइज है, क्रोनिकली कैथेटराइज है, प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन है और उसमें सिर्फ पाई यूरिया हो रहा है, लेकिन पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, नहीं उसको ट्रीट नहीं करेंगे, कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे, उल्टा आप उसको यू आर आस्किंग फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो उसमें वैसा मैसेज ही आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इसको मैंने ट्रीट करना है या नहीं करना. अगर तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है और हाई रिस्क है कि उसको यूटीआई हो सकता है या कोई अदर साथ कोमोरबिडिटी, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं डिपेंडिंग अगर पेशेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है. तो रिस्क फैक्टर में वही है कि फीमेल है तो उसको ज्यादा होगा, प्रेगनेंसी में हाई रिस्क हो जाता है. हॉस्पिटल रिक्वायर्ड स्पेशली कैथेटराइजेशन, इसके लिए कॉटी बेसिकली जनरली यूज होती है. कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कॉटी बंडल्स होते हैं. इसी तरह मैंने वेब बंडल बताया था, इसी तरह कॉटी बंडल्स होते हैं. अम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में हाई रिस्क होता है क्योंकि वो अम्यून उसमें एसेस नहीं कर रहा होता. एनाटॉमिकल एबनॉर्मैलिटी मैंने पहले बता दिया कि जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही होगी वहाँ पे हाई रिस्क होगा. अगर तो कोई कॉन्डुइट है, कोई फिस्चूला है या ऐसी कोई चीज है तो उसमें हाई रिस्क होगा. और डायबिटीज, डायबिटिक क्योंकि जहाँ पे ग्लूकोज है वहाँ पे बैक्टीरिया ने जाना है. डायबिटिक क्योंकि उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज होता है तो दे आर हाई रिस्क उनको इन्फेक्शन हो. और एंटीमाइक्रोबियल यूज में ये होता है कि नॉर्मल फ्लोरा उनका वीक होता है, नॉर्मल फ्लोरा ना होने की वजह से उनको ज्यादा रिस्क होता है. कैथेटर मैंने बता दिया, यूनिट ट्रैक इंस्ट्रूमेंटेशन अगर कोई दिए तो उसमें भी फिर हाई रिस्क हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कैथेटर ऐसी कोई चीज दी गई है तो ठीक है. उसके बाद वही था कि उसके बाद पायलोनेफ्राइटिस बेसिकली उसमें होता है कि पाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली जब अपर उसमें होता है. ये कॉम्प्लिकेटेड की मैं चीज बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड में होता है. मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि अनकम्प्लिकेटेड सिर्फ फीमेल पेशेंट है और लोअर यूटीआई है, सिस्टाइटिस है, यूरेथ्राइटिस है तो उसको अनकम्प्लिकेटेड. इसके अलावा बाकी सब कॉम्प्लिकेटेड के अंदर होंगे. पायलोनेफ्राइटिस मैंने आपको ये बताया कि सुप्रा प्यूबिक, नहीं ये गलत है बेसिकली, इसमें जिसने भी किया ये पायलोनेफ्राइटिस में सॉरी में इसमें कि उसमें फ्लैंक पेन होता है. सुप्रा प्यूबिक जो होता है सिस्टाइटिस के अंदर होता है, पायलोनेफ्राइटिस में ये चीजें नहीं होती है. ठीक है, अनकम्प्लिकेटेड के अंदर फर्स्ट लाइन में आपकी कौन सी चीज होती है? फर्स्ट लाइन में कोट्रिमोक्सोल होती है, लेकिन अगर कम्युनिटी में इसकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस 20 से ज्यादा है तो फिर ये फर्स्ट लाइन नहीं है. हमारे पास तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, हमारे पास कोई फर्स्ट लाइन नहीं है. पीछे दो ऑप्शन बन जाती है, नाइट्रोफ्यूरोंटाइन और फॉस्फोमाइसिन. ठीक है, ये दो ऑप्शन होती है. नाइट्रोफ्यूरोंटाइन भी अभी पाकिस्तान में शॉर्ट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है नाइट्रोफ्यूरोंटाइन पे. इसकी डोज 100 mg BID होती है. फॉस्फोमाइसिन जनरली 3 ग्राम का साशे होता है, 3 ग्राम वंस डेली होती है. अगर तो फीमेल पेशेंट है अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई या फॉस्फोमाइसिन की एक डोज काफी है. नाइट्रोफ्यूरोंटाइन को 5 डेज के लिए ट्रीट करते हैं. ठीक है, फॉस्फोमाइसिन से थोड़ा सा ये होता है कि डायरिया का हम ज्यादा देखते हैं कि डायरिया होता है. नाइट्रोफ्यूरोंटाइन का ये बस ये आपने ये चीज याद रखनी, क्रिएटिनिन क्लियरेंस कुछ 50 कहती हैं, कुछ 30 कहती हैं. उसमें अगर आप इसमें 30 देखने, 30 से नीचे है तो उसको आप अवॉइड करते हैं. ठीक है, और कोट्रिमोक्सोल अगर तो सेंसिटिविटी है तो 960 BID बेसिकली 960 इसलिए फुल डोज होता है, 160 और 800 ट्राइमीथोपिन फैक्टर करके 960 BID फॉर 3 डेज, नाइट्रोफ्यूरोंटाइन को 5 डेज, फॉस्फोमाइसिन की सिंगल डोज सफिशिएंट. अल्टरनेटिव में फ्लोरोक्विन अलोन 3 डेज के लिए दे सकते हैं या बीटा लैक्टम्स 5 to 7 डेज के लिए दे सकते हैं. फिर आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए, रिकरेंट के अंदर दो चीज होती है, एक री इन्फेक्शन होता है, एक रिलैप्स होता है. ठीक है, रिलैप्स होगा कि आपने प्रॉपर ट्रीट ही नहीं किया, विदिन 14 डेज दोबारा इन्फेक्शन हो गई है तो उसको हम कहेंगे रिलैप्स. एक री इन्फेक्शन है कि नहीं काफी अर्से बाद 14 डेज से ज्यादा हुआ है और दोबारा इन्फेक्शन हुई है. रिलैप्स के अंदर जनरली वही बैक्टीरिया दोबारा इन्फेक्शन करता है, आपने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो उसको फिर आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ट्रीट करते हैं. जब री इन्फेक्शन में नहीं कोई और बैक्टीरिया कर सकता है उसमें जनरली इन्वॉल्व होता है कि फिर पेशेंट किस वजह से हो रहा था, या तो सेक्सुअल एक्सपोजर की वजह से हो रहा है या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई कैथेटराइज्ड है या कोई फिजिकल अबनॉर्मेलिटी है या ऐसी कोई चीज है तो उस केस में फिर उसकी अगर मैनेजमेंट होती है. अगर तो पेशेंट को कोई फिजिकल अबनॉर्मेलिटी है या ऐसा कोई सिनेरियो है तो उस केस में फिर और उसको जो यूटीआई 2 टाइम से ज्यादा हो रहा है ईयर के अंदर तो उसको हम प्रोलॉन्ग सप्रेशन पे डाल देते हैं जिसमें ये 25 mg to 50 mg नाइट्रोफ्यूरोंटाइन एचएस में जनरली ऐड कर, वंस डेली एचएस में जनरली ऐड कर देते हैं. अनदर केस अगर तो सेक्सुअली है तो उसमें पेशेंट ये कहते हैं कि यूरिनेशन फॉरन पोस्ट इंटरकोर्स यूरिनेशन करें या फिर कोट्रिमोक्सोल की सिंगल डोज या सेफालेक्सिन की सिंगल डोज उसमें ले सकते हैं. ठीक है, स्टाइटस के तकरीबन मैंने वही बता दिया, इसमें लोअर यूटीआई होती है, इसमें कोई एसएच ब्लड कल्चर द्वारा पॉजिटिव नहीं होते हैं. अगेन आपने सेंसिटिविटीज को देखना कि आपकी सेंसिटिविटीज क्या है, तो जनरली फॉस्फोमाइसिन और नाइट्रोफ्यूरोंटाइन योर फर्स्ट लाइन. अगर तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है कोट्रिमोक्सोल से, अदरवाइज में सेफालेक्सिन भी यूज हो सकती है. सेफालेक्सिन को प्रेगनेंट फीमेल के अंदर जो सिस्टाइटस होता है उसमें यूज करते हैं. वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास तो खैर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें जो आइडिया से मैं देखें तो उसमें इसकी सेंसिटिविटी फिर भी बेहतर है, इसलिए इसको प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी प्रेफर किया जाता है.
या फिर अमोक्सिसिलिन को प्रेफर किया जाता है क्योंकि नाइट्रोफेनोटाइन भी कंट्राइंडिकेशन है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इसको अवॉइड करते हैं। फॉस्फोमाइसिन भी सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर, उसको भी यूज कर सकते हैं। कोट्रिमोक्सोल इट्स कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी जो है, ये आपके क्विनोलोन आपने याद रखना है कि ये भी कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। पायलोनेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस में अगेन टर्म्स में यूज की गई है, इसमें सिर्फ अनकम्प्लिकेटेड को नहीं होता, कम्प्लिकेटेड ही करते हैं। अगर हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है तो उस केस में फिर आपको ये होता है कि थोड़ा हॉस्पिटल रिक्वायर्ड बग्स को कवर करना पड़ता है, अदरवाइज उसमें ये होता है कि आपको जनरली कोट्रिमोक्सोल या क्विनोलोन्स के साथ या फिर बीटा लैक्टम्स के साथ आप ट्रीट करते हैं 7 डेज के लिए, लेकिन अगर बीटा लैक्टम्स जनरली 10 to 14 डेज जब सीवियर पायलोनेफ्राइटिस है। और अगर पायलोनेफ्राइटिस के साथ ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ गए हैं फिर आपने बैक्टीरिमिया की लाइन पे ट्रीट करना है, और उसमें होता है कि नेगेटिव कल्चर ऑनवर्ड 14 डेज के लिए आप ट्रीट करते हैं, ठीक है। दूसरा ये तो कि आपके बग कौन से ट्रीट कर रहे हैं, उस बग की बेसिस की डोजिंग उसमें एडजस्ट कर रहे होते हैं। जनरली ये होता है कि जो कोट्रिमोक्सोल ही उसमें यूज कर रहे होते हैं 7 to 14 डेज ड्यूरेशन को, जनरली पायलोनेफ्राइटिस में 7 डेज 7 to 10 डेज, लेकिन अगर ज्यादा हाई रिस्क है तो उसमें फिर 14 डेज पे 2 वीक्स के लिए कर लेते हैं। सेम अप्लाइज टू अदर एंटीबायोटिक्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली काफी रेजिस्टेंस है, इसलिए हमारे पास तो प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है। हमारे पास तो यही, इवन मैं अगर इकोलाई की सेंसिटिविटी निकालूं तो सर मेरे क्विनोक्विनोलोन 20% सेंसिटिव है, दे आर नॉट गुड चॉइस हमारे पास। बट अगेन आइडिया से कि जो गाइडलाइन है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो आइडिया से कि उसमें इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। प्रेगनेंसी में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इसको अवॉइड करेंगे, बाहर इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोमोक्सिक्लेव हो गया, फॉसोमाइसिन या सेफालेक्सिन को प्रेफर किया जाता है, टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्विनोलोन्स, कोट्रिमोक्सोल ये आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करें इनकी कंट्राइंडिकेशन। उसमें हुई है कि अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है अगर हो रहा है पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसको ट्रीट करेंगे, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपने को ट्रीट नहीं करेंगे, आपने ये चीजें लास्ट में इसको इंश्योर करनी है। प्रोस्टाइटिस होता है, प्रोस्टाइटिस प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन को प्रोस्टाइटिस कहते हैं, बस एक चीज में ज्यादा प्रोलॉन्ग इसमें एक्यूट होता है या क्रोनिक होता है। एक्यूट को हम 2 to 4 वीक्स के लिए ट्रीट करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स को या कोट्रिमोक्सोल को, और क्रोनिक होगा तो उसको मंथ्स के लिए ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो जितना क्रोनिक होता है उतना उसका ट्रीटमेंट का जो फेलियर होता है उसका चांस ज्यादा होता है अगर आप उसको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ट्रीट करें। यंगर मेल है या ओल्डर मेल है, इस चीज को बस उसमें देखा जाता है। यंगर मेल्स में जनरली होता है कि ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है, ओल्डर जितना होता जाएगा उसमें ड्यूरेशन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें क्रोनिक के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एल्डरली पॉपुलेशन में जनरली प्रोस्टेट इनलार्ज जिनके होते हैं उनमें प्रोस्टाइटिस हम देखते हैं। स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर बस ज्यादातर याद रखें कि ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव इन्वॉल्व होते हैं। ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी कोकाई स्पेशली जो क्लस्टर्स वाले होते हैं या चेन्स वाले होते हैं, क्लस्टर्स में आपके स्टेफ ओरियस कॉमन है, कोगुलेज नेगेटिव एपिडर्माइडस वाले, लेकिन कोगुलेज नेगेटिव इतने विरुलेंट नहीं होते तो इसलिए हमारा कॉमन कंसर्न जो होता है वो स्टेफ ओरियस होता है। चेन्स के अंदर बीटा हिमोलाइटिक स्पेशली स्टेफ पायोजिनीज हो गया, ये सारे होते हैं, इनको मैनेज करना होता है। आपको बस याद रखना है कि इसमें जब भी ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर क्लॉस्ट्रिडियम वगैरह, डिप्थीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, स्पेशली अगर टेटनस वगैरह या बेसिलस एंथ्रासिस वगैरह हो सकते हैं, उसमें बारह दूसरा इन्फेक्शन होती है। इसमें दो चीजें, इर्सिपेलस है, सेलुलाइटिस है, नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस है। मैं ज्यादा यहीं पे मैं प्रेजेंटेशन पे आपको डिटेल बता दूंगा। इर्सिपेलस जो होता है बेसिकली जब भी होता है कि ये सुपरफिशियल होती है, ये आपकी डर्मिस है, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस है जिसपे लोकल आप करते हैं, उसके नीचे डर्मिस है जहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह है, डर्मिस का अपर पोर्शन है, सुपरफिशियल डर्मिस है, उसकी अगर इन्फेक्शन है तो इर्सिपेलस कहेंगे। उसमें ज्यादा कोई, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो ये जगह उठ जाती है, डिमार्क्ड होती है, ये सारी चीजें होंगी, वार्म होगी, ये चीजें होंगी। जबकि डर्मिस में रेड, जब सेलुलाइटिस होगा तो उसमें क्योंकि डीप डर्मिस इन्वॉल्व होती है तो इसलिए वो कलर तो चेंज होगा, वार्म तो होगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जगह जो होगी वो चेंज नहीं होगी, डिमार्क नहीं होगी, उठी हुई नहीं होगी, अपनी इन्फ्लेमेशन का इतना इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन रेडनेस ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी क्योंकि इसमें डीप डर्मिस इन्वॉल्व होती है। इससे पहले
को जनरली आप सेम एंटीबायोटिक जनरली ये सेफालेक्सिन वगैरह इनसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। ऐसे पहले इसको 3 to 5 days के लिए ट्रीट करते हैं। जो सेलुलाइटिस होता है इसको 5 to 7 days के लिए ट्रीट करते हैं। कॉमन कॉजेज में वही ट्रामा वगैरह, जैसे कहीं से एक्सपोजर होता है तो वहीं से बेसिक बर्न वगैरह जैसी कोई चीज होती है, या लिम्फेटिक इम्पेयर्ड अगर लिम्फेटिक ड्रेन हो तो उस वजह से भी हो सकता है। तो बाल जो भी उसमें है तो उसकी वजह से सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस में लीड टू वेरी सीवियर कंडीशन दैट इज नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, क्योंकि ये जो जितने भी स्ट्रेप्टोजेनीज वगैरह या स्टेफ ओरियस, ये अपने जो इनके बेसिकली जितने भी इनके टॉक्सिन्स होते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं कि वहां पे जाके टिश्यू डैमेज, टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस होता है। और ये तो मैं आपको बता गया हूँ, इससे पहले से मैंने आपको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का ये होता है कि ज्यादातर जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है या स्टेफ ओरियस ये करते हैं। और जब भी नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस होता है उसमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, ग्राम नेगेटिव का भी कवर यूज करेंगे साथ में, मर्सर का भी, फॉर एग्जांपल वैनकोमाइसिन और लाइनेजोलेट प्लस पिप्रोसिनटाजोबैक्टम या सेफ्ट्राक्सोन जैसा यूज करेंगे। और साथ में इसमें क्लिंडामाइसिन की भी इंडिकेशन होती है। क्लिंडामाइसिन का क्या काम होता है, क्या रोल होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये टॉक्सिन्स की जो प्रोडक्शन होती है उनको स्लो डाउन कर देते हैं। उसमें ये होता है कि ये नेक्रोसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। कुछ इंडिकेशन इसमें ये भी है कि आप ये जो होती है अम्यूनोग्लोबुलिन को भी यूज कर सकते हैं, बट ऐसे स्टडीज हैं, ऐसे रिकमेंडेशन में नहीं है। क्लिंडामाइसिन की कुछ स्टडीज में है कि उसका बेनिफिट है, क्योंकि वो प्रोटीन बीइंग प्रोटीन इनहिबिटर्स तो जो टॉक्सिन्स होते हैं प्रोड्यूस उनकी रिड्यूस करके इसको बेसिकली प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस को। लेकिन नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के अंदर जो फर्स्ट लाइन क्या है, सर्जिकल रिमूवल है, क्योंकि जहां पे भी नेक्रोसिस हो गई या टिश्यू डैमेज हो गया वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक आपको अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए वहां पे फर्स्ट लाइन सर्जिकल इंटरवेंशन है। सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं, उसके साथ फिर आप एंटीबायोटिक का कवर देते हैं, अनलेस के बहुत इनिशियल स्टेज पे तो वहां पे एंटीबायोटिक्स उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट अगेन ऑलवेज गो फॉर एक्सटेंसिव सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। बहरहाल उसमें होता है कि ब्रॉड कवर होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के अंदर, बाकियों के अंदर आप बस ग्राम पॉजिटिव कोई कवर जनरली आपको देना होता है। अगर तो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है तो उसमें फिर मर्सा का कवर ऐड कर देते हैं, प्रूल एंड डिस्चार्ज अगर है तो उसमें फिर मर्सा का कवर आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अम्यूनो कम्प्रोमाइज के अंदर वही होता है कि अम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर जो ड्यूरेशन होता है वो आपका प्रोलॉन्ग हो सकता है, जनरली 5 to 7 days नहीं, आपको बड़े प्रोलॉन्ग। मैं एक रिसेंटली हमारी फीमेल पे बेसिकली चाइल्ड है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं वैनकोमाइसिन के राउंड हमारे कोई 13 days हो गए और बड़ा स्लो रिस्पॉन्स आ गया। PBLL की पेशेंट है, अम्यूनो कम्प्रोमाइज है, करंटली उसका ANC 0 है, तो उसका प्रोग्रेसिंग सेलुलाइटिस है, जिसको पहले तो पहला हमारा टाइम किसी तरीके से प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाए, इवन वैनकोमाइसिन दे रहे हैं, लेवल ऑप्टिमाइज्ड है, फिर भी बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया है। अभी उसका कोई जाके थोड़ा सा वो रिग्रेस करना शुरू किया है, तो जब तक वो प्रॉपरली रिग्रेस नहीं करेगा तब तक उसका एंटीबायोटिक्स हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये होता है कि जब भी आपकी ऐसी पॉपुलेशन होती है वहां पे आपने वो रिकमेंडेशन नहीं होती, हाँ अनलेस कि उसको अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए तो फिर आप उसको उसी ड्यूरेशन। फिर आ जाता है डायबिटिक फूड। डायबिटिक फूड बेसिकली इसमें मेन जो होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड जिनकी डिजीज होती है, उसमें क्या होता है कि गेट डिसऑर्डर जिसकी वजह से उनको जब भी कोई जख्म होता है या फिर ब्लड सप्लाई डिमिनिश होने की वजह से वहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन उनको होती है। पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है, जनरली ग्राम नेगेटिव या इस किस्म के ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपने यही चीज देखना होता है कि मर्सा का रिस्क है या मर्सा का रिस्क नहीं है। अगर मर्सा का रिस्क है तो मर्सा का कवर ऐड करेंगे, अगर मर्सा का ऐसा रिस्क नहीं है तो उसमें फिर आपको ऐसा चीजों की इतनी टेंशन नहीं होती। फिर आप होता है कि पेनिसिलिन, नेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन या फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स या फ्लोरोक्विनोलोन या क्लिंडामाइसिन इसको कवर कर लेते हैं। बट जनरली एक चीज हमने याद रखनी है कि डायबिटिक फूड में पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है, इसमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव आपने दोनों कवर करने होते हैं। इसमें भी ये होता है कि अगर तो नेक्रोसिस साथ में हो रही है तो एम्पुटेशन होती है और अलॉन्ग विद इट एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो सकता है। दूसरा, आपने जब भी एंटीबायोटिक्स देनी है तो उसमें स्यूडोमोनास का रिस्क, अगर फ्रेश वाटर एक्सपोजर है या ऐसी कोई चीज है तो उसमें स्यूडो, या कोई हॉस्पिटल का एक्सपोजर है तो उसमें स्यूडोमोनास या हॉस्पिटल रिक्वायर्ड बग्स को हमेशा आपने रूल आउट कर। नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस बोन की इन्फेक्शन को कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि बोन की इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, बस एक कुछ पॉइंट्स हैं कि बोन की इन्फेक्शन जब भी होती है ऑस्टियोमेलाइटिस उसको प्रोलॉन्ग ट्रीट करना पड़ता है। उसमें आपका जो रेडियोग्राफी उसका काफी रोल होता है, स्पेशली सीटी स्कैन वगैरह या एमआरआई स्कैन वगैरह जितने भी उनका काफी रोल होता है टू चेक whether it is osteomyelitis, क्या बोन इन्वॉल्व हो रही है, क्या बोन इरोजन हो रही है, कितनी बोन इरोजन है, कितना एक्सटेंसिव डिजीज है,
लॉन्ग विद इट आपने डेफिनेट थेरेपी के अंदर जाना होता है, तो उसके कल्चर इंपॉर्टेंट होते हैं। कल्चर आप इनिशियली एंटीबायोटिक को इनिशियल बेसिक वेट कर सकते हैं जब तक आप पहले सैंपल ना ले लें, कल्चर ना ले लें, सो दैट कि आपके पास डेफिनेट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेट उस पर, क्योंकि आपने उसको फिर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ट्रीट करना होता है, अराउंड 4 to 6 weeks के लिए आईवी एंटीबायोटिक्स के साथ, उसके साथ फिर फर्दर आगे अगर तो कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं हुई है तो मंथ्स तक ट्रीट करना पड़ता है, फिर सम ओरल अल्टरनेटिव जिसकी मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी हो। ठीक है, अगेन अब उसमें फर्दर ये होता है कि इसमें जब भी ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है तो इसमें एज फैक्टर होता है कि पीडियाट्रिक पेशेंट है या अडल्ट पेशेंट है या फिर एल्डरली पेशेंट है। ठीक है, पीडियाट्रिक जनरली 16 ईयर से जुकाम होते हैं, उसमें होता है हेमाटोजीनियस फ्लड ज्यादा होता है, आईवी एंटीबायोटिक्स या इस किस्म का कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इस वजह से जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर साल्मोनेला होता है, 67% केसेस के अंदर साल्मोनेला, बस एक याद रख लीजिएगा कि सिकल सेल पेशेंट होते हैं उनमें ऑस्टियोपाइलाइटिस में साल्मोनेला होता है। अदर देन दैट मेनली स्टेफ ओरियस, आपने बस याद रखना है स्टेफ ओरियस होता है, उसके साथ बाकी स्टेफोकोकस एपिडर्माइडस यूनिकॉर्न्स वगैरह या स्टेफ पायोजेनीस या ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं, अगर इंटरवीनस ड्रग यूजर है तो उसके अंदर ग्राम नेगेटिव के रिस्क भी हो सकते हैं, बट इनका रिलेटिवली काम होता है। आईडी जो इंटरवीनस ड्रग यूज में सुडोमोनास, अगर स्पेशली हॉस्पिटल एडमिशन जैसी कोई चीज है तो उसमें फिर सुडोमोनास का भी रिस्क होता है। अडल्ट पेशेंट्स के अंदर वही होता है कि कोई वूंड हुआ है या कोई ऐसी चीज होती है वहां से डायरेक्ट एक्सपोजर उसमें होता है, ज्यादा चांसेस, अगेन हेमाटोजेनियस भी हो सकता है लेकिन जनरली ज्यादा चांसेस यही होते हैं। कोई इस किस्म का कोई डेंटल इन्फेक्शन इसके थ्रू बेसिकली कैरी करके जाता है, गन शॉट है या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या इस किस्म का कोई इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस हो तो वहाँ से एक्सपोजर फॉर एग्जांपल उसने कर लिया, इसमें भी ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव ही होता है, ज्यादा चांसेस स्टेफ ओरियस के होते हैं। ग्राम नेगेटिव के अगेन वही अगर कोई हॉस्पिटल एक्सपोजर है वो फर्दर फॉर एग्जाम्पल फुट पंक्चर है और वहाँ पे उसका कोई एक्सपोजर हुआ है फ्रेश वाटर पे फॉर एग्जाम्पल या उस पर, तो उसमें फिर सुडोमोनास का या हॉस्पिटल को एक्सपोजर है तो उसमें सुडोमोनास वगैरह हो सकते हैं। एल्डरली में जो होता है उसमें ज्यादा पेशेंट जो डायबिटीज के साथ होते हैं पोस्ट कैबे या इस किस्म कंडीशन के साथ उसमें होता है, उसमें जनरली पॉलीमाइक्रोबियल होता है, उसमें मेन तो वास्कुलर इंसफिशिएंसी मेन होता है, स्पेशली डायबिटिक्स होते हैं जिनके डायबिटिक बेसिकली उसमें जिनके इश्यूज होते हैं वास्कुलोपैथी इस किस्म कंडीशन डेवलप हो रही थी उसमें ये जनरली होता है, उसमें भी पॉलीमाइक्रोबियल और आपको सारा कवर उसमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगेन इन ऑल सिनेरियोस इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप सिंपल उसका आइडेंटिफाई करके ब्लड कल्चर भेजें। ट्रीटमेंट वही सबसे मैंने अगेन वही बात की कि आप जीपीसी को कवर करें लेकिन आपने कल्चर रिजल्ट्स को लास्ट में फॉलो करना है। ठीक है, और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन अगर उसके हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डीब्राइडमेंट आपको करनी पड़ेगी। डीब्राइडमेंट अगर आपने प्रॉपर नहीं की है तो उस केस के अंदर फिर आप प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, और इसमें यह भी होता है कि स्टेफ ओरियस को कवर करने के लिए जो होता है स्टेफेम्पिसिन भी दूसरी जो भी सेकेंड बेसिकली एंटीबायोटिक साथ में एड करेंगे 2 to 6 weeks के लिए फॉलोड बाय रिफेम्पिन प्लस सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इनिशियली इसको आईवी एंटीबायोटिक्स के साथ, उसके बाद फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन। अगेन सेंसिटिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिविटी आपने देखनी है, उसके बाद जो ओरल ऑप्शन अवेलेबल है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल क्लिंडामाइसिन पे सेंसिटिविटी है लेकिन क्लिंडामाइसिन की ओरल इतनी कोई अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं है, स्पेशली हाई डोजेस पे जाते हैं तो उसमें डायरिया और ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं और इतनी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं रहती, तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल क्लिंडामाइसिन वुडंट बी अ गुड चॉइस फॉर प्रोलॉन्ग ओरल थेरेपी फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस। हाँ, क्विनोलोन्स कैन बी गुड ऑप्शन फॉर प्रोलॉन्ग, इनकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है, इनकी बोन पेनिट्रेशन भी अच्छी है, ये सारी चीजें भी अच्छी है। नॉन स्टेफलोकोकल के अंदर आपने ऑर्गन स्पेसिफिक सारा होता है, लेकिन अगर तो प्रोस्थेसिस रिमूव हो गया और आपने सारा कुछ डिब्राइड कर लिया तो उस केस में बस ठीक है 24 to 48 hours पोस्ट एम्प्यूटेशन ठीक है, लेकिन अगर आपने सिंपल उसको प्रोस्थेसिस को रिमूव किया है लेकिन प्रॉपर वो सारी चीजें नहीं है और आपको उसको ट्रीट करना है फिर तो आपको 4 to 6 weeks तक आईवी एंटीबायोटिक्स का जनरली इसको ट्रीट करना पड़ेगा जब तक कि इन्फेक्शन प्रॉपरली रिकवर नहीं हो जाती, अनलेस की डिब्राइडमेंट है तो उसमें बस 24 to 48 hours आर सफिशियंट। अगेन अक्यूट के केस में 4 to 6 weeks है, क्रोनिक के केस में 6 to 8 weeks है, पर अगेन प्रोलॉन्ग साथ में अपने मंथ्स तक ओरल थेरेपी, लेकिन ओरल के अंदर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ विद बेटर बायोअवेलेबिलिटी, बेटर ओरल बायोअवेलेबिलिटी आपने उनको चॉइस करना, सेंसिटिविटी भी और ओरल बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस है, मेनिनजाइटिस के अंदर आपकी मेनिनजीज हो जाती है, मेनिनजीज में कौन कौन सी हो जाती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर,
और पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर होता है आपकी थ्री, जिसको CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसमें CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर बेसिकली होता है, ब्रेन और उसके दरमियान होता है, और इसको BBB भी कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर भी कहते हैं, ठीक है। जनरली मेनिंजाइटिस में मेनिंजीज इन्फ्लेम हो जाती है और आपका बेसिकली जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसके अंदर सारी इन्फेक्शन हो जाती है। तो जब भी आप स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज, उसमें यानी कि कॉमन कॉजेज हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, ट्यूबरकुलर है। एक तो अपने साथ में देखना होता है कि कोई ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, या कोई वूंड हेड का नहीं है जिसमें कोई पॉजिटिव आ रहा है, या कोई EVD तो नहीं है, या कोई इस किस्म की चीज तो मौजूद नहीं है, कोई शंट वायर ऐसी तो नहीं है जो इन्फेक्टेड हुई है, तो वो आपने देखना है। साथ में आपने ये देखना होगा कि उसमें जो CSF की स्टडी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी हेल्पफुल होती है उसको ट्रीट करने के लिए। बहरहाल अगर इंपीरिकली ट्रीट करना है तो न्यू बॉर्न है तो उसमें सबसे कॉमन चार्जेस क्या, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी, लिस्टीरिया, लिस्टीरिया याद रखिए, मोनोसाइटोजेंस अम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स, एल्डरली पॉपुलेशन या न्यू बॉर्न के अंदर लिस्टीरिया को जनरली हम ट्रीट करते हैं एम्पीसिलिन के साथ, ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए एम्पीसिलिन होती है। निसीरिया मेनिंजाइटिस इसके साथ बेसिकली हो सकता है, स्ट्रेप नमोनी, निसीरिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये उसके आगे सारे चलते रहते हैं 50 to 50 ईयर तक, ये सारे उसमें साथ में चल रहे होते हैं 50 ईयर प्लस के अंदर, फिर अगेन ये चीज होती है। लेकिन अगर 60 प्लस है तो फिर लिस्टीरिया को हमें थोड़ा बहुत कवर करना पड़ता है, लेस कॉमन है लेकिन उसके अंदर हो सकता है। साथ में ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर वायरल इन्फेक्शन, वायरल इनकेफलाइटिस का भी होता है, लेकिन अगर पेशेंट अम्यूनो कम्प्रोमाइज है, स्पेशली HIV पेशेंट्स, वहां पे फिर आपको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इसका भी रिस्क रहता है। वायरल, वायरल में मैंने आपको बता दिया HSV या VZV, सबसे कॉमन HSV होता है, VZV भी हो सकता है। फंगल के अंदर क्रिप्टोकोकस जनरली करती है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है वो उसमें होता है, या फिर आपकी कोई एसेप्टिक भी हो सकता है जिसमें ड्रग्स फॉर एग्जांपल कोट्रामोक्सोजोल हो गए, इबुप्रोफेन मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन कर सकती है। प्रेजेंटेशन में भी होता है कि फीवर, चिल्स, हेडेक, नकल रिजिडिटी, बेसिकली जिसको हम कहते हैं नक सपल है या नहीं है, नेक सपल उसमें ऐसे नहीं होती पेशेंट को, नेक मूवमेंट में, इसीलिए गर्दन तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं, ठीक है। मेंटल स्टेटस चेंजेस होती हैं, फोटोफोबिया, नॉजिया, वोमिटिंग, बच्चों में स्पेशली नॉजिया, वोमिटिंग और फोटोफोबिया, इन चीजों को देख रहे होते हैं। पुअर फीडिंग, बच्चा जो होता है वो फीड नहीं ले पा रहा होता, इस किस्म की चीजें इसकी इंडिकेट कर सकती हैं। फिजिकल साइन, बर्जेंस की साइंस, कर्निंग साइन, बेसिकली वन फिजिकली डेमोंस्ट्रेट सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, स्वियर, नेक स्टिफनेस, ये बेसिकली बर्जेंस की में, कर्निंग में होता है कि बेसिकली 90 degree एंगल तक उसको नहीं कर सकते हैं, तो पेनफुल बेसिकली जॉइंट मूवमेंट होती है, तो इस किस्म की आप सारी डायग्नोसिस के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि CSF स्टडी, CSF के अंदर ग्लूकोज, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम होगा, बैक्टीरिया ग्लूकोज खाता है, मैंने UTI में बताया कि बैक्टीरिया ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो इसलिए ग्लूकोज कम होगी, प्रोटीन काफी ज्यादा होगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, वायरल में ग्लूकोज कम ज्यादा हो सकता है, प्रोटीन भी थोड़ी सी बहुत ज्यादा, यानी हो ज्यादा हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा सच नहीं होगी। नॉर्मल CSF में WBCs बहुत कम होते हैं लेकिन बैक्टीरियल में 1000 या 500 तक हो सकते हैं, और वायरल में वैसे कम होते हैं लेकिन उसमें भी जो वायरल केस में न्यूट्रोफिल्स होंगे, सॉरी लिम्फोसाइट्स होंगे, जबकि बैक्टीरियल के केस में, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो फर्स्ट लाइन डिफेंस आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो ज्यादा प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल्स होंगे। pH ड्रॉप करेगी 7.1 तक, लैक्टिक एसिड उसमें बढ़ेगा, इसके अलावा आपका जो बेसिकली जो प्रेशर है CSF का वो भी इंक्रीज हो जाता है, 20 mm से ऊपर हो जाता है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है मेनिंजाइटिस हो सकता है। डायग्नोसिस में अगेन वही है कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई इसके अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ब्लड कल्चर आप सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लड कल्चर्स लेंगे, लंबर पंचर करके CSF के कल्चर्स भेजेंगे, और एलिवेट पोजीशन पोस्टर सारी चीजें, बाकी मेजर्स ले रहे होंगे, ये कुछ चीजें थी। वही बल्जिंग, बेसिकली बल्जिंग फोंटाले बच्चों के अंदर ज्यादातर देखा गया कि इसमें बल्जिंग फोंटाले होता है, और बाकी ये बर्जिंस्की है कि अगर इसको उठाएंगे, गर्दन को उठाएंगे तो साथ में इसके बेसिकली 90 डिग्री के एंगल पे ये भी सारे उस पे होंगे, कर्निंग के अंदर ये इसको जब बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपर एसएच नहीं होगा। CSF चेंजेस अगेन वही सारा डिफरेंस है वायरल और उसके अंदर, लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, उस पर तो मैं ज्यादा इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। CSF स्टडीज में वही ग्राम स्टेन helps identify अगर 60-90% cases के अंदर gram positive है या gram negative है। वैसे तो आजकल तो basically PCR है, अब तो film array होता है, biofilm array होता है, जिसके अंदर वो सारा PCR run कर देता है, जिसमें आपके listeria हो गया, streptococcus हो गया, pneumococci हो गया,
ये आपका मेनिंजियोकोकाई हो गया, निसीरिया, ये सारे एक वन गो के अंदर आपके एच एस वी 1, 2, 3, 6, बीजीवी, क्रिप्टोकोकस, ये सारे वन गो के अंदर टेस्ट हो जाते हैं. दैट्स आइडियल. अदरवाइज फिर कल्चर सेंसिटिविटी और इन चीजों को फिर आपने वेट करना पड़ता है, उसमें आपको चीजें देखना पड़ता है. और PCR जैसे वही मैंने बताया कि एसिड फॉस जनरली अगर ट्यूबर क्लोसेस है तो उसमें एसिड फॉस करेंगे. इंडियन एक क्रिप्टोकोकस के लिए इंडियन एक होता है या क्रिप्टोकोकल एंटीजन हो सकता है, आप सिंप्लेक्स का PCR भी हो सकता है. लेकिन अगर आप बायोफिल्म अरे हो गया तो ये सारे एक वन गो के अंदर टेस्ट हो जाते हैं, तो आपको फर्दर टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती उसमें, जनरली हम वहीं से चीज़ों को पकड़ लेते हैं. तो एम्पिरिकल थेरेपी के अंदर अगर तो नियोनेट है, 1 month से कम है, तो फिर एम्पिसिलिन. एम्पिसिलिन क्यों दे रहे हैं, मैंने बताया लिस्टीरिया को कवर करने के लिए, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस को कवर करने के लिए हम दे रहे होते हैं, ठीक है. वहीं पे साथ में एम्पिसिलिन प्लस सीफोटेक्साइम. सीफोटेक्साइम क्यों नियोनेट्स के अंदर दे रहे होते हैं, क्योंकि जो सेफ्ट्रैक्सोन होती है इसकी एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन होती है, तो बच्चों के अंदर जॉन्डिस, कोलिस्टेटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस कर सकती है सेफ्ट्रैक्सोन, तो इसलिए नियोनेट्स के अंदर सेफ्ट्रैक्सोन को अवॉइड करते हैं, ठीक है. इन्फेंट्स के अंदर जब 1 month प्लस होता है उसमें सेफ्ट्रैक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन. वैंकोमाइसिन एक क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन क्या मर्सर के लिए दे रहे होते हैं? नो, वैंकोमाइसिन दे रहे होते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, या हाई पेंसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ नीमोकोकाई होती हैं या मेनिंजियोकोकाई होती हैं, उनके लिए वैंकोमाइसिन. क्योंकि आप जब तक आपके पास कल्चर सेंसिटिविटी इन हैंड नहीं है तब तक आप एम्पिरिकली वैंकोमाइसिन ऐड करेंगे. अगर कल्चर सेंसिटिविटी में आइडेंटिफाई हो तो फिर आप उसके मुताबिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स करेंगे. सेफ्ट्रैक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों के अंदर, 100 mg/kg Q12 ओवरली होती है. एडल्ट पेशेंट के अंदर 2 gram Q12 ओवरली होती है. फॉर अगर तो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है तो इसमें तो कार्बापेनम जीएस की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है सच नहीं है तो फिर फर्स्ट लाइन सेफ्ट्रैक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन है, ठीक है. अडल्ट्स के अंदर फिर आप एम्पिसिलिन ऐड करते हैं सेफ्ट्रैक्सोन प्लस वैंकोमाइसिन के साथ, एम्पिसिलिन लिस्टीरिया को कवर करने के लिए. और हेट्रामा या इस किस्म न्यूरोसर्जन CSF है तो उसमें होता है कि फिर आपने ग्राम नेगेटिव का अगर रिस्क है तो उस केस के अंदर फिर आप कार्बापेनम, सेफ्टाजिडीन या सेफीप्राइम वैंकोमाइसिन के साथ ऐड करते हैं, ठीक है. और नियोनेट्स के अंदर वही सारी चीजें मेडिकल में कवर हो गई हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं. डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड्स का रोल होता है, स्टीरॉयड्स साथ लाजमी देते हैं. बच्चों के अंदर 0.15 mg/kg होती है, अडल्ट के अंदर 10 mg/Q6 hourly या बेसिकली 8 to 10 mg/Q6 hourly तक होती है. रेज्ड ICP के केस में इसकी डोज होती है 4 mg/Q6 hourly, 8 mg/Q8 या 12 hourly होती है, ठीक है. स्टीरॉयड्स को होते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करना, लेकिन उसमें तक इनिशियली होता है कि पहली इनको एंटीबायोटिक्स की शॉट एज सून एज पॉसिबल दे दें, उसके बाद फिर स्टीरॉयड्स की शॉट दें, ताकि क्योंकि जब मेनिंजीज इन्फ्लेम्ड होती है तो एंटीबायोटिक्स की पेनिट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो इसलिए कहते हैं कि पहले वो शॉट दे दें उसके बाद फिर स्टीरॉयड दें, ताकि मेनिंजीज इन्फ्लेमेशन को कम किया, डैमेज को मिनिमाइज किया जाए. ब्रेन अब्सेस हुई था, अनफॉर्चुनेटली इसका प्रोग्रेस काफी पुअर होता है. उसमें होता है कि आपने डायरेक्ट एक्सटेंशन रेट्रोग्रेड है या पिकोहेमेटोजेनी स्प्रेड है. डायरेक्ट एक्सटेंशन यह है कि कोई आपकी मास्टरडाइटिस है, साइनोसाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है या फेशियल सेलुलाइटिस है, यहाँ से बेसिकली ब्रेन के अंदर वो अपना क्रेनियल करते हुए एक्सेस हासिल कर रहे थे. ज्यादातर फंगल्स जो होती है इसी तरह करती है. म्यूकोर के अंदर हमने ये देखा है कि या ऑस्पिटल रीजन से होते हुए डायरेक्ट अपने उसमें करीब उसके अंदर अब्सेस कर लेती है. बाज़ औक़ात पोस्ट साइनोसाइटिस उसमें ये एक्सटेंड करती हैं और उसमें अब्सेस बनाती है. हिमाटोजेनियस के अंदर स्पेशली पार्टिकली लंग अब्सेस हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, इस किस्म कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि लंग बेसिकली अब्सेस होता है. मसलन हमारे बच्चे के अंदर इसमें था, उसमें बहरहाल कुछ बैक्टीरिया भी हैं, टॉक्सोप्लास्मोसिस हो गया ये हमारे बच्चे के अंदर. तो उसमें एक्चुअली कैंडिडा एंडोकार्डाइटिस था, कैंडिडा ऑरिस था, उससे उसको लंग एब्सेस हुई थी. वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं किया था, लेकिन उसमें मुझे याद है कि उसने ये चीज़ हुई थी. एंडो पोस्ट एंडोकार्डाइटिस को लंग एब्सेस बनी थी. बाहर लंग एब्सेस में डिफरेंट हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी हो सकती हैं और वायरल या फंगल भी हो सकती हैं. माइक्रोबियल यूजली पोली माइक्रोबियल होती है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, एनरोब्स सबसे ज्यादा होते हैं. और इंसिजन ड्रेनेज क्रेनोटमी सबसे पता कि सबसे एब्सेस का ही होता है कि अगर तो हाई रिस्क नहीं है उसमें अगर सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है तो उसमें, क्योंकि सोर्स आपने कम करना है. एंटीबायोटिक्स जितनी भी दे दें जब तक आप सोर्स को ड्रेन नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ड्रेनेज इसमें इंपॉर्टेंट है. एंटी माइक्रोबियल होता है कोटाइटिस मीडिया या मास्टरडाइटिस है तो फिर मेट्रोनिडाजोल प्लस थर्ड जनरेशन सेफ्टोस्पोरिन है. साइनोसाइटिस के केस में मेट्रोनिडाजोल प्लस थर्ड जनरेशन सेफ्टोस्पोरिन है. डेंटल अब्सेस है तो पेंसिलिन प्लस मेट्रोनिडाजोल है. ट्रॉमा या न्यूरोसर्जरी है फिर वैंकोमाइसिन, क्योंकि एमआरसा का रिस्क भी बढ़ गया तो फिर थर्ड जनरेशन सेफ्टोस्पोरिन साथ में है. लंग अब्सेस उसमें फिर मेट्रोनिडाजोल प्लस सल्फोनामाइड, कोट्राइमोक्सोजोल वगैरह, ये सारी चीजें अगर तो नोकार्डिया का रिस्क है या ऐसी कोई चीज है तो फिर कोट्राइमोक्सोजोल ये चीज भी साथ ऐड करते हैं.
अननोन वैनकोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल प्लस थर्ड जनरेशन अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ जाते हैं, हमारे यहाँ जनरली होता है जब होता है तो आप फिर उसको मेनिनजाइटिस की लाइन पे भी साथ में, यानी कि हाई डोज। अब जवेशा याद रखिएगा सेफोस्पोरिन की जो डोजिंग होगी वो मेनिनजाइटिस वाली डोजिंग होगी, नॉर्मल डोजिंग नहीं मेनिनजाइटिस वाली डोजिंग होगी। और अगर आईसीपी रेज हो रहा होगा तो फिर उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस बेसिकली क्या होता है कि वेजिटेशन ऑन दी वॉल्स ऑफ एंडोकार्डियम की बेसिकली उस पर होता है, उसमें वेजिटेशन आ जाती है। एंडोकार्डाइटिस में जनरली आपके जो स्पेशली बाइकप्स या ट्राइकप्स वॉल्स होते हैं वहां पे जाके वेजिटेशन होते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली पंपिंग डिफेक्ट होता है और वॉइस आती है, मर्मर्स प्रोड्यूस होते हैं। हमेशा याद रखिएगा लंग से जो ब्लड आता है वो किस में होता है, लेफ्ट में आता है। लेफ्ट में कौन सा होता है, मिट्रल होता है, बाइकस्ट होता है। तो इसलिए जब भी अगर लंग सोर्स है, लंग से फॉर एग्जाम्पल अगर आता है तो उसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इन्फेक्शन होगी, वहां पे आपको नजर आएगा। वहीं पे अगर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, क्योंकि ब्लड से जो होता है वो जाके आके किस में जाता है, राइट उसमें जाता है। तो इसलिए जब ब्लड सोर्स होगा तो उसमें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है या कोई और सोर्स कहीं से ब्लड में आया, उसने बैक्टीरिया वो एक्सेस हासिल करेगा तो वो फिर ट्राई को इन्वॉल्व करेगा, ट्राई का सॉल्व को राइट आर्ट्रियम को, राइट वेंट्रिकल उसको जो राइट आर्ट्रियम को इन्फेक्ट करेगा, राइट बेसिकली जो पोर्शन होगा उसको इफेक्ट करेगा। मोस्ट कॉमन कुछ स्टेफ लिखते हैं यहाँ पे, इन्होंने स्टेफ लिखा हुआ है, अगर मैं दूसरी आईडी की बुक रहा तो स्टेफ उसमें ज्यादा उसमें होता है। बहरहाल जीपीसी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद फिर एंटेरोकोकस आ जाता है, ठीक है, और कोगलेस नेगेटिव कॉन्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जनरल अगेन जो बैक्टीरिया वाले पेशेंट्स होते हैं या आईवी ड्रग यूजर्स इस किस्म की कंडीशन के अंदर यूज होते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस कॉमनली होते हैं, इसमें कैंडिडा ऑरेस भी हो सकता है। कैंडिडा ऑरेस ये ज्यादातर जनरली होते हैं कि या तो पेशेंट को कोई गट सोर से आ जाते हैं या टीपीएन वगैरह चल रहा है या स्वियर म्यूकोसाइटिस है, तो वहां से ये इस किस्म के पेशेंट्स के अंदर ये आ सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जनरली बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊँगा कि इसको आपने 4 to 6 वीक के लिए मिनिमम 4 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। कुछ नेरियोस के अंदर हाई सेंसिटिव उस पर 2 वीक्स रिकमेंडेशन है कि अगर तो विरिडेंस हैं और बिल्कुल सेंसिटिव है और सेफ्ट्रैक्सोन प्लस जेंटामाइसिन है तो फिर आप 2 वीक्स के लिए ट्रीट कर सकते हैं, या पेंसिलिन जी प्लस जेंटामाइसिन है तो फिर 2 वीक्स के लिए। अदर देन दैट अगर उस पर है प्रोस्थेटिक वॉल्व इन्वॉल्व है तो फिर ओवरऑल हर सिनेरियो के अंदर 6 वीक जैसे ज्यादा भी इसको ट्रीट करेंगे। तो अगर तो स्ट्रेप्टोकोकस है और रेजिस्टेंस है, उसकी एमआईसीज हाई है, तो फिर उसमें फिर पेंसिलिन प्लस जेंटामाइसिन के साथ थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड पे, अदरवाइज 2 था लेकिन उसके इसमें फिर प्रोलॉन्ग 4 वीक्स के लिए ट्रीट करेंगे, या सेफ्ट्रैक्सोन प्लस जेंटामाइसिन भी उसी तरह 4 to 6 वीक डिपेंडिंग के आपने प्रोस्टेटिक को ट्रीट कर रहे हैं या नेटिव वॉल्व को ट्रीट कर रहे हैं। स्टेफ ओरियस है, उसमें अगेन आपने वही देखना है कि एमएसएस है या एमआरएस है, तो उस केसेस पे ट्रीट करेंगे। एंडोकार्डाइटिस को जनरली आप आईवी एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करते हैं, बस एक चीज याद रखिएगा कि आईवी एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करते हैं। एमएसएस में ऑक्सोसिलिन या नेफ्सलिन प्लस जेंटामाइसिन या सेफेसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन और ये बेसिकली कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं टू ऑगमेंट फॉर साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। स्टेफलोकोकस अगर तो पेंसिलिन एलर्जी है तो उस केस में एमएसएसए में भी स्टेफलोवैंकोमाइसिन को हम यूज कर सकते हैं, या डेप्टोमाइसिन स्पेशली अगर एंटेरोकोकस है, ये इस किस्म के वीआरई है तो उसमें फिर डेप्टोमाइसिन को भी हम यूज कर सकते हैं या फिर लाइनिजोलेट को भी यूज कर सकते हैं। हैकिंग ग्रुप लिए तो उसमें सेफ्ट्रैक्सोन डज वेल या सेफ्पिसिलिन सल्बेक्टम। हैकिंग का बस याद रखिएगा बड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं, कुछ भी ग्रो ना कर रहा हो तो उसके बाद आता है। जनरली एंडोकार्डाइटिस में होता है कि ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव होते हैं और डेफिनेट उसकी तरफ जाते हैं तो मर्मर्स या ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी नहीं फिर भी ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये है तो फिर TTE होती है, ट्रांसथ्रेसिक एकोकार्डियोग्राफी होती है। TTE पे जनरली हम वेजिटेशन देख लेते हैं, अगर TTE पे भी ना हो तो फिर TE होती है, ट्रांसएसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी। ट्रांसएसोफेजियल जो होती है वो थोड़ा सा इनवेसिव प्रोसीजर होता है, इसलिए सेकंड लाइन होता है, अनलेस के पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीस है और आपको TTE पे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा तो फिर उसकी तरफ जाते हैं, अदरवाइज TTE जो होता है ट्रांसथ्रेसिक एकोकार्डियोग्राफी जो होता है वो काफी सफिशिएंट होता है, उस पर आपको जनरली उसमें मिल जाती है। साथ में ब्लड कल्चर्स में भी आपको दोनों चीजें स्लो ग्रोइंग और फास्ट ग्रोइंग दोनों को देखना पड़ता है, इनकेस अगर फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहे हैं। प्रोफिलैक्सिस अगेन वही बात आ जाती है, कोई डेंटल प्रोसीजर या ऐसी कोई चीज हो रही है तो उस केस में आपने फिर प्रोफिलैक्सिस ऐड करना होता है, सो दैट के वहां से कोई सोर्स जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सपोजर ना ले ताकि इन्फेक्शन ना हो। वो ये होता है कि डेंटल या फिर उसमें डिफरेंट के अंदर आपने, ये बस इतना आसान सी है कि आपने बेसिकली डिफरेंट उसमें क्या आपने बेसिकली अमोक्सिसिलिन जनरली को अमोक्सिक्लेव फिर ऐसा आपने प्रोफिलैक्सिस देना होता है।
पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस का आप याद रखिए कि पेरिटोनियम हमारी जो गट है उसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया और ये मौजूद हैं, फंगस वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। फंगस में कौन सी, यीस्ट कैंडिडा मौजूद होती है, इसके अलावा एंटीरोबैक्टेरियासी जिसमें इकोलाई ये सारे होते हैं, इसके अलावा एंटीरोकोकस हो गए, सारे आपके गट के बैक्टीरिया बैक्टीरॉयड वगैरह हो गए। जब भी गट परफोरेट करती है कोई इस किस्म का सिनेरियो तो ये सारे ब्लड स्ट्रीम में आके बेसिकली या पेरिटोनियम के अंदर आके इन्फेक्शन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम की इन्फेक्शन जिसमें इन्फ्लेमेशन, इसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो उसमें वही था कि स्टोमिक स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें एरोबिक फैकल्टेटिव ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, इलियम है तो इकोलाई एंटीरोकोकस एनरोब्स, लार्ज इंटेस्टाइन है तो उसमें फिर ऑब्लिगेट एनरोब्स जिसमें बैक्टीरियोइड्स क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस हो गया, और एरोबिक फैकल्टेटिव ग्राम नेगेटिव जिसके अंदर इकोलाई वगैरह सारे होते हैं, यीस्ट भी उसमें होती है, ये सारे कर सकते हैं। और अगर माइल्ड टू मॉडरेट है यानी कि कम्युनिटी क्वाइट से मुराद ये है कि उसकी कोई पोस्ट एंटी रिसेंट एंटीबायोटिक की हिस्ट्री नहीं है उसमें, यानी कि एमडीआर का रिस्क नहीं है उसको, फिर हम कम्युनिटी क्वाइट होता है। अगर कोई एंटीबायोटिक ओरल लेता रहा है या इस किस्म की कोई हिस्ट्री है तो फिर हम उसको कहते हैं कि नहीं ये हाई रिस्क उस पर चला जाता है। तो उसमें होता है कि जनरली कम्युनिटी क्वाइट के अंदर सिफॉक्सिटिन, सिफाजोलिन, अल्टापेन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल। क्यों सिप्रो और लीवो के साथ उसने मेट्रोनिडाजोल लिखा है या सेफ्ट्राक्सोन इनके साथ, क्योंकि ये एनरोब्स को कवर नहीं करती है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन एनरोब्स को कवर करती है, अल्टा एनरोब्स को कवर करती है, सिफॉक्सिडिन का थोड़ा सा होता है कि एनरोब्स को कवर करती है। जब भी आपने होता साथ में एनरोब्स का कवर लाजमी ऐड करना है, ठीक है। हाई रिस्क के केस में फिर आप पैच स्कोर देख के उस केस में फिर होता है कि बाकी उसमें हॉस्पिटल रिक्वायर्ड बग्स का भी कवर करते हैं, और कैंडिडा अगर कैंडिडा का रिस्क है तो कैंडिडा का भी कवर करते हैं। नेक्स्ट है सी डिफ क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल इन्फेक्शन। क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल जनरली एंटीबायोटिक्स स्टूवर्डशिप की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन होती है जिसमें सी डिफ को कंट्रोल करना होता है, क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज से है, बेसिकली टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टॉक्सॉइड्स होते हैं जो कि सीवियर डायरिया कॉज करते हैं, इंतहाई सीवियर, स्वियर डब्ल्यू बी सी 15 क्या 30 तक इतने तक पहुंच जाता है स्वियर, उसकी वजह से क्रैक्ट पेशेंट क्योंकि हाइपोपरफ्यूज हो जाता है, ड्राई होता है उसकी वजह से क्रैटिनिन इंक्रीज होती है, और ये सारी सिनेरियोस हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्राइटिस, डायरिया, अनकंट्रोल्ड डायरिया, उस किस्म कंडीशन डेवलप कर रही होता है। इनिशियली होता था कि फर्स्ट लाइन मेट्रोनिडाजोल थी, अब रीसेंट गाइडलाइंस में फर्स्ट लाइन जो है वो पर ओरल वैनकोमाइसिन है 125 mg क्यू 6 आवर लिया, फिडॉक्सोमाइसिन है। लेकिन अगर सीवियर है, इंतहाई सीवियर है, फुलमिनेंट टाइप है, तो उसमें हाई डोज वैनकोमाइसिन 250 या 500 क्यू 6 आवर तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 ग्राम पर डे तक है, और साथ में आईवी मेट्रोनिडाजोल भी फिर ऐड करेंगे, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ सीवियर फुलमिनेंट टाइप है तो उसमें फिर आईवी मेट्रोनिडाजोल भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोफिलेक्सिस। सर्जिकल प्रोफिलेक्सिस के अंदर बस आपने याद रखना है कि क्लीन सर्जरी है, क्लीन कंटेमिनेटेड है, कंटेमिनेटेड है या डर्टी सर्जरी है, तो उसमें होता है इन्फेक्शन रिस्क जो होता है कितना किस में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर गट को इन्वॉल्व करिए, जनरल यूरिटरी है तो उसमें क्लीन कंटेमिनेटेड इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। कंटेमिनेटेड है फॉर एग्जाम्पल कोई वूंड है या कोई ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शन उसको पार्ट को नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस है या कोई ऐसी चीज है परफोरेटेड गट है उसको ट्रीट करना तो मतलब कंटेमिनेटेड है। डर्टी मतलब इंड्यूसेस प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग ओल्ड ट्रॉमेटिक वूंड्स वगैरह, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जनरल रिकमेंडेशन के अंदर ये होता है कि most उसके अंदर गैस्ट्रिक ड्यूडेनम में सिफाजोलिन यूज हो रही होती है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर पिपरासिन टैज़ोबैक्टम को या ग्राम नेगेटिव कवर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास एंटीरोबैक्टेरियासी ज्यादा है। तो बिलरी स्पेशली बिलरी सर्जरी है जो विपल प्रोसीजर होता है उसमें पिपरासिन टैज़ोबैक्टम हम देते हैं, गैस्ट्रिक के अंदर सिफाजोलिन देते हैं अनलेस की परफोरेशन जैसी चीज हो तो फिर पिपरासिन टैज़ोबैक्टम, क्योंकि हमारे पास फिर हमने पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करना होता है। कोलोरेक्टल के केस में सिफाजोलिन या फिर सेफ्ट्राक्सोन प्लस मेट्रोनिडाजोल एनरोबिक कवर के लिए ऐड कर देते हैं। अगर तो पिपरासिन टैज़ोबैक्टम यूज हुई है तो फिर मेट्रोनिडाजोल देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो कवर कर लेती है। ये सारे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो डिफरेंट प्रोसीजर्स के अंदर सबसे कॉमन जो होती है बस सबसे फैजोलिन ही है। सिफाजोलिन हमेशा याद रखिए अगर मरसा का रिस्क भी है तो वैनकोमाइसिन के साथ भी सिफाजोलिन दे रहे होते हैं, वैनकोमाइसिन के साथ भी सिफाजोलिन लाजमी देंगे। सिफाजोलिन 2 ग्राम जनरली डोज यूज होती है, अगर 125 से ऊपर है तो फिर 3 ग्राम डोज यूज करते हैं और 4 आवर्स के बाद रीडोजिंग होती है। बहरहाल वो होता है कि पोस्ट उस पर अगर तो ऐसा नहीं है तो जनरली 24-48 आवर्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। क्वेश्चन है मेफ्लोस्कोपी तो इतना उस पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बहरहाल जी थैंक यू वेरी मच, मैंने कोशिश की है कि चैप्टर को काफी हद तक कंपाइल कर लिया जाए।
किसी के कोई क्वेश्चन है तो मेरे से काइंडली क्वेश्चन पूछ लें। Thank you, Dr. Rehan, for covering such a huge topic so concisely. Participants, if you have any questions, you can unmute your mic. I would be glad if there are any questions. No questions. I like the participants a bit tired. It was a huge topic. इसको cover करना था unfortunately क्योंकि इसमें different comorbidities को at same time, especially different infection को at same time cover करना होता है. उसमें grab करना भी मुश्किल होता है. लेकिन मैंने कोशिश तो किया कि जितना easy रहे कि इसको आप लोगों को दिया जा सके. I think there are no questions because you explained very clearly. So if there are no questions, yeah, we can... Clearly, yeah. Yes. So we can wait 1 minute. If there are any questions, you can ask, or we can just wrap up. It's like too late. बहरहाल प्रैक्टिस पर्ल्स इतने तक मैं बता रहा हूँ. प्रैक्टिस पर्ल्स में आप लोगों ने इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है कि जब भी आप चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक के अंदर जा रहे हैं वहां पे आपने फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स दोनों को माइंड में रखना है. और दूसरा आपने यही रखना है कि बेसिकली फार्माकोडायनामिक मॉडल के अंदर आपने ये चीजें हमें रखनी है कि आप कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करने जा रहे हैं या टाइम डिपेंडेंट किलिंग करने जा रहे हैं. कंसंट्रेशन या एयूसी ओवर एमआईसी की किलिंग करने जा रहे हैं. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग में आपकी सी मैक्स ओवर एमआईसी इंपॉर्टेंट है, जबकि टाइम डिपेंडेंट के अंदर आपकी टी कितनी देर के लिए टी ओवर एमआईसी इंपॉर्टेंट है, जबकि उस दूसरे सिनेरियो के अंदर फिर आपकी एयूसी ओवर एमआईसी कितनी देर के लिए रहता है. तो उस लिहाज से अपने अपने डोजिंग स्ट्रेटजी सेट करनी होती है. क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा फर्दर नहीं है. मसलन जो होते हैं आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स जनरली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए कंसंट्रेशन जो आपकी होती है उस पर ज्यादा जाते हैं क्योंकि आपका जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट उस पर रिलाय कर रहे होते हैं. लेकिन जब हम कार्बा बीटा लैक्टम्स के साथ यूज कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम डिपेंडेंट किलिंग होती है, तो हम इंश्योर करते हैं कि एनफ टाइम वो एमआईसी से ऊपर रहे. स्पेशली जब क्रिटिकल क्रिटिकल हमारे पेशेंट्स होते हैं तो उस केस में बड़ी स्ट्रेटजीज लेते हैं. एक्सटेंडेड इन्फ्यूजन जो कंसेप्ट है आईवी एंटीबायोटिक्स का, उसमें भी यही है कि वो पेशेंट्स जिनको एक्सटेंसिव फ्लूइड रेसुसिटेशन दी जा रही होती है उनके अंदर हाइपर हाइड्रेशन जिसके स्टेट के अंदर उनकी आउटपुट जो होती है काफी इनहांस हुई होती है. तो उस सिनेरियो में क्योंकि जब आप आईवी एंटीबायोटिक अगर बोलस में देंगे तो वो काफी तेजी से सिस्टम से निकल जाएगी और आपके ब्लड के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी. इसीलिए इस सिनेरियो के अंदर आप हाई डोज और एक्सेलरेटेड इन्फ्यूजन की तरफ चले जाते हैं सो दैट उसकी एमआईसीज जो है ज्यादा देर के लिए रहे. दैट्स वन टारगेट कि आप ज्यादा देर के लिए एमआईसीज को अचीव करें. वहीं पे कुछ सिनेरियोस के अंदर हम देख रहे होते हैं कि आप उस साइट ऑफ इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस या सर्टन वेंट्रिकुलाइटिस के अंदर हम इंट्रावेंट्रिकुलर या फिर इंट्राथीकल इंजेक्शन भी दे रहे होते हैं फ्लेमिनोग्लाइकोसाइड्स के या कोलेस्टिन के सर्टन सिनेरियोस के अंदर. या फिर बाज़ औक़ात आप लॉक थेरेपी कर रहे होते हैं अगर आपकी सेंट्रल लाइन इन्फेक्ट हो गई है और आप सेंट्रल लाइन अभी रिमूव नहीं करना चाह रहे, उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप लॉक थेरेपी के लिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जेंटामाइसिन लॉक थेरेपी या वैंकोमाइसिन लॉक थेरेपी. तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है ना. होप कि आपके जो आप ये चीजें जितनी भी लर्न किया इसको फ्यूचर में आगे जाकर प्रैक्टिस में यूज कर सके. थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है सो वी कैन स्टॉप एंड आई कैन फिनिश माई कोर्स.